मैं कहता हूँ जीत मेरी ही होगी। मैं कहती हूँ कि विजय पाने का सौभाग्य मेरा होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जीत मेरी है और मेरी रहेगी। श्रीमान जी, मैं अपने बारे में नहीं लाठी के बारे में कह रही हूँ। तो क्या आप सोचती हैं कि मैं आपके बारे में कह रहा था? अच्छा, ये बात है तो संभलो। हाँ। मुनीम जी, ओ मुनीम जी। हाँ मां जी। विजय रतन को लेने स्टेशन गया या नहीं? जी वो तो बगीचे में जीत के साथ हार जीत कर रहे होंगे। कहीं ऐसा न हो कि हार जीत में उसे समय का ध्यान ही न रहे। जाओ उसे जल्दी बुला लाओ। मैं अभी जाकर विजय बाबू को याद दिला देता हूँ। धन्य है भगवान, आपकी दया से आज कितने दिनों के बाद रतन को देखूंगी। अरे विजय, विजय जी, अरे क्या हाजीत ही करते रहोगे? तुम्हें स्टेशन जाना है, देर हो रही है रतन बाबू को लाने के लिए। मैं बिल्कुल भूल ही गया था। मैं स्टेशन जाता हूँ जीत, मुझे जल्दी है, बहुत जल्दी। मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ। अच्छा जीत। माँ मैं क्या करता, देखो ना इस जीत की उलझन में कितनी देर हो गई। अच्छा मैं जाता हूँ। अरे मूर्ख, कपड़े तो बदल डाल, भाई अमेरिका से आ रहा है, ऐसे कपड़ों में देख के क्या कहेगा? सब ठीक है माँ, सब ठीक है। मैंने कहा वो बाहर टमटम भी तैयार है। हाँ चलो। माँ मेरी बास्केट। बास्केट, ये लो बास्केट, पगला कहीं का, अपनी चीजों की जरा भी नहीं संभाल रखता। माँ तुम जो हो सबको संभालने के लिए। घड़ी कहाँ गई? बास्केट की जेब में देख। अरे बाप रे, कितना वक्त हो गया है। तो मैंने कहा फिर चलिए ना। चल जा जल्दी। मैं स्टेशन जा रहा हूँ रतन भैया को लेने। ओ चाचा जी नमस्ते। आप कहीं मतलब की जीते रहो बेटा। ओ तुम स्टेशन जा रहे हो, अभी तक नहीं गए? जल्दी जाओ। आइए आइए ठाकुर साहब, आज रतन बाबू जो आ रहे हैं, बड़े आनंद का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है, बस आनंद ही आनंद। ये कहीं मतलब की, इसीलिए तो मैं भी आया हूँ। आइए आइए कल्याण सिंह जी, आप अकेले आए, जीत नहीं आई, आज बड़ी खुशी का दिन है। ये कहीं मतलब की सचमुच आज बड़ी खुशी का दिन है, और जीत तो सुबह से यही थी, अभी अभी घर गई है, कपड़े बदल कर आती होगी। आइए ना। मगर आप किस सोच में है ठाकुर साहब? क्या कहूँ मैं, बच्चियां सयानी हो रही हैं, सोचना ही पड़ता है। अजी इसमें सोचने की क्या बात है, घर का मामला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कही मतलब की। आइए ना। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए। लो हजरत अब चले आ रहे हैं, ठहरो। माफ कीजिएगा भाई साहब, मुझे देर हो गई। देर हो गई? तुम्हें मालूम है मुझे स्टेशन से यहाँ तक पैदल आना पड़ा, मैं जीत की उलझन में फंस गया था। आइए बैठिए, घर पे माता जी इंतजार कर रही हैं, और गांव के पंचों को भी चाय पे बुलाया है। जब घर में इतने आदमी मौजूद थे तो कम से कम कोई तो मुझे स्टेशन पर लेने आता, जब मैं अमेरिका में था तो। लेकिन भाई साहब ये तो हिंदुस्तान है, और फिर अपने यहाँ का तो ये रिवाज है कि बड़े लोग छोटों को स्टेशन पर लेने नहीं जाते। मैं आपसे छोटा हूँ इसलिए आपको लेने चला आया। आइए बैठिए, आओ भाई सामान रख दो। चलो सामान रखो पीछे। हेलो मम्मी। आ गया बेटा। हाँ माँ, ये हिंदुस्तान भी आकर हिंदुस्तान ही रहेगा, आज अगर स्टेशन पर कुली नहीं मिलता तो शायद ये बिस्तर भी सर पर उठाकर लाना पड़ता। अब रहने भी दे, चल अंदर चलकर जलपान कर ले, सब लोग राह देख रहे हैं। आइए। नॉनसेंस, ये क्या जमीन पर बैठना होगा? कहते हो देश को आजादी मिल गई लेकिन अभी तक हिंदुस्तानी पन नहीं गया। रतन बाबू ये अमेरिका नहीं हिंदुस्तान है, हमारी शान इसी में है कि हम हिंदुस्तानी रहें। हमने जिस आजादी का सपना देखा है वहाँ सब लोग सुखी और समान रहेंगे। ये नहीं कि कुछ लोग तो कुर्सियों पर बैठे पार्टियां उड़ाते फिरें और बाकी जनता भूखी नंगी जमीन पर पड़ी तड़पा करे। ये क्या बेमतलब की बातें शुरू कर दी, बैठ जाओ तो कुछ मतलब की बातें भी हों। चाचा जी
किरण नजर नहीं आई, वो कहाँ है? किरण आजकल आगरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ती। ओह वेरी गुड, ये आपने बहुत अच्छा किया। तो अब किरण घर में भाजी तरकारी काटने के बजाय कलेजे चीरा करेगी। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा किया जो वहाँ भेज दी। वो छुट्टियों में घर आ रही है। और जीत तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा जीत का क्या पूछना, जीत और विजय दोनों मिलकर गांव वालों के दिमाग का इलाज करते हैं। क्या यूं ही खड़े खड़े सारी बातें कर लेनी है? बैठ जाइए और बातें करते जाइए। ये कही मतलब की सुनते हैं भाई साहब के दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अमेरिका में कोई खास बात नहीं है। नॉनसेंस, कौन कहता है? अमेरिका, ओह अमेरिका इज द लैंड ऑफ वेल्थ, सोना बरसता है उस देश में। सोना जरूर बरसता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हम अपने देश को अमेरिका नहीं बनने देंगे। यहाँ अमेरिका की तरह ना बड़े बड़े पूंजीपति होंगे और ना मशीन की तरह काम करने वाले बेचारे मजदूर। जीत कुमारी, गधे और घोड़े बराबर नहीं हो सकते। हमारे बाप दादाओं ने तलवार के जोर से जो रियासतें खड़ी की हैं और दौलत कमाई है, वो हम इन नंगे भिखारियों में बांट दें? भाई साहब समय बहुत तेजी से बदल रहा है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बंदूकों और तोपों के जोर से जीता, मगर जब जनता की आवाज उठी उन्हें वापस जाना पड़ा। फिर भला ये तलवार के जोर से जीती हुई रियासत और दौलत कब तक हमारा साथ दे सकती है? अब तो हमारी आजाद सरकार जमींदारियां भी खत्म कर रही है। मगर हमने अपनी अकल के जोर से जो जमीनें अपने अपने नाम पर कर ली हैं, उन्हें हमसे कौन छीन सकता है? चाचा जी, अब गरीब जनता पर ना अकल का जोर चलेगा, ना तलवार का और ना पैसे का। अपने नाम पर की हुई जमीनें उन किसानों को दे दी जाएंगी जो खुद खेती करते हैं। नॉनसेंस, ऐसा कौन कहता है? हिंदुस्तान की गरीबी कहती है, इंसानियत कहती है, और कहती है भारत को आजाद कराने वाले महात्मा की आत्मा। हमारी भलाई इसी में है कि हम सच्चे हिंदुस्तानी बने। अरे क्यों बातों में उलझ रहे हो? आज रात को तुम लोग जो नाटक कर रहे हो उसमें रतन सब कुछ समझ जाएगा। बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी। अब कैसी मनमानी बाबू, अब कैसी मनमानी, अब कैसी मनमानी बाबू, अब कैसी मनमानी। बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी। कहाँ चली ओ मैम साहब ये पाउडर सुर्खी मलकी, कहाँ चली ओ मैम साहब ये पाउडर सुर्खी मलकी। ऊंची एड़ी फिसल न जाए, चलना जरा संभल के, हाँ चलना जरा संभल के। ये क्या भक्ति है जोनी? हम भक्त नहीं, हम कहते हैं बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी। What nonsense, you shut up, you shut up, you shut up। गिट पिट क्या करते हो, टाई हैट लगा के, गिट पिट क्या करते हो, टाई हैट लगा के। देश को ना बदनाम करो तुम, देश का पैसा खा के, देश को ना बदनाम करो तुम, देश का पैसा खा के। अपने देश का पाना पहनो, बोलो अपनी बानी, अपने देश का पाना पहनो, बोलो अपनी बानी। बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी। ये गिट-पिट है जान हमारी, फैशन प्राण हमारा। ये गिट-पिट है जान हमारी, फैशन प्राण हमारा। हम इनको ना छोड़ेंगे, हम इनको ना छोड़ेंगे, ये दिल में हमने ठानी, ये दिल में हमने ठानी। अच्छा ये बात है, है तुतारो बाबू जी और सुन लो बात हमारी, है तुतारो बाबू जी और सुन लो बात हमारी। लंदन वालों की तो लंदन चली गई है गाड़ी, लंदन वालों की तो लंदन चली गई है गाड़ी।
के जो देश की बात न मानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी, बन जाओ हिंदुस्तानी। नॉनसेंस। बैठिए भाई साहब। क्यों मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? रतन माँ, सबके सामने मेरा इंसल्ट हो रहा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेटा ये तो सिर्फ नाटक है। नाटक? नाटक की आड़ में जीत मेरी बेइज्जती कर रही है, मैं नहीं देख सकता। रतन तुम कुछ भी कहो विजय, मुझे रतन बाबू का रंग ढंग बिल्कुल पसंद नहीं। अभी ताजे ताजे अमेरिका से आए हैं ना। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। गलत मिसाल दी तुमने, अगर अमेरिका वाले हंस हैं तो हम लोग राजहंस। अमेरिका वाले कुछ भी हों, लेकिन रतन बाबू तो बिल्कुल कौवे हैं। मैंने क्या गलत कहा है? देखिए माँ, मेरे दिल पर तीर चलाए जा रहे हैं और तुम चाहती हो दर्दी महसूस ना करूं। नहीं रतन, जीत बड़ी समझदार लड़की है, तुम्हें सचमुच अपने रंग ढंग बदल देना चाहिए। नॉनसेंस माँ, तुम भी मुझे दोष देती हो, मैं देख लूंगा इन दोनों को। रतन देखा ना जीत, भाई साहब बिगड़ गए। लेकिन सच को सच कहना पाप नहीं है? वो कुछ भी हो पर ये अच्छा नहीं हुआ कि भाई भाई से नाराज हो गए। अरे कलवा, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जरा मेरा सामान ठीक कर दे, मैं जी दीदी से मिल लूँ। हाँ हेलो किरण। हेलो रतन बाबू, कब आए हो अमेरिका से? मेरा आना तो खैर पुराना हो चुका, तुम अपनी कहो तुम कब आए? बस अभी अभी चली आ रही हूँ। तो वो कलेजे पे छुरियां चलाने का काम सीखा है? जी मेरा मतलब है अपनी वो डॉक्टरी पास कर ली। बस अभी सीख रही हूँ, पापा की तार चली गई और मुझे आना ही पड़ा, बहुत बुरा किया। नॉनसेंस, ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या? मुझे तुम्हारी जरूरत भी थी। ओ, आपको मेरी जरूरत? क्या बीमार है? मैं तो खैर भला चंगा हूँ, जरा विजय का इलाज करवाना था। विजय क्या हुआ उन्हें? अब तुम आई हो तो आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। अच्छा। लेकिन मरीज से जरा बच के रहना, कहीं इलाज करते करते खुद बीमार ना पड़ जाना। नो नो रतन बाबू, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगी। ओ अच्छा, ठाकुर साहब हैं? ओ यस। चाचा जी, मैंने कहा आपको मेरी दरखास्त मंजूर कर लेनी चाहिए। भैया बात तो मतलब की है, लेकिन तुम्हारी माताजी जीत की शादी विजय के साथ कराना चाहती हैं। नॉनसेंस, कौन कहता है विजय की शादी जीत से कर दो, ताकि वो दोनों घरों का रुपया ग्राम सुधार में फूंक दें। ये कहीं मतलब की, लेकिन भैया मैं कर ही कह सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं चाचा जी, आप जरा समझदारी से काम लें। समझदारी से काम लिया जा सकता है जबकि दो समझदार मिल जाए। नॉनसेंस, कौन कहता है कि हम दोनों समझदार नहीं हैं? ये कहीं मतलब की, भैया तुम मुझे समझा रहे हो? अरे ये तो तुम्हारे समझने की बात है, नहीं समझे? मुझे किरण का भी तो ख्याल रखना है। अगर जीत की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो ये सारी जमीन जायदाद और ये दौलत सब तुम्हारी हो जाएगी, फिर मेरे पास क्या रह जाएगा? नॉनसेंस, कौन कहता है कि आपके पास कुछ नहीं रहेगा? चाचा जी आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आखिर घर का ही तो मामला है। ये कहीं मतलब की, लेकिन बेटा तुम मेरा मतलब यानी मेरा मतलब समझ गए होगे तुम। नॉनसेंस, समझूं क्या? हाँ आप कुछ साफ साफ समझाए तो। ऐसा तो आओ बैठो बैठो। अब ये बोलो दूध मंगाऊं, चाय मंगाऊं, लस्सी? चाचा जी घर की तो बात है। घर की बात है तो भैया अब ये तुम्हारे समझने की बात है। जीत की जमीन जायदाद दौलत यानी जो कुछ भी है, तो मेरा मतलब ये है भैया कि तुम यही समझ लो कि मैं ये चाहता हूं कि उसमें से आधा हिस्सा। नॉनसेंस, आधा हिस्सा? भैया बाबा तुलसीदास जी कह गए हैं कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो मैं तो भैया दुनियादार आदमी हूँ, अकल की भी तो कीमत होती है। नॉनसेंस, कौन कहता है अकल की कीमत नहीं होती? ये कहीं मतलब की, भैया अब जो कुछ भी बात है वो तुम्हारे सोचने की है, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। ओह वेल 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 वेल, इट्स ऑल राइट चाचा जी, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। एक ने कही दूसरे ने मानी। ये कहीं मतलब की,
तो अब ये समझ लो कि जीत तुम्हारी। लेकिन चाचा जी, जीत तो विजय। तुम मेरी करामात देखते जाओ भैया। अगर दोनों का साथ साथ रास्ता चलना बंद नहीं कर दूं, तो मेरा नाम ठाकुर कल्याण सिंह नहीं। ये कही चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो, जिस पथ पर तुम चरण धरोगे, जिस पथ पर तुम चरण धरोगे, अपने नैन बिछाऊंगी तुम्हारे पथ के कांटों को, पलकों से उठाती जाऊंगी तुम्हारे पथ के कांटों को, पलकों से उठाती जाऊंगी। जब लग प्राण रहेंगे, जब लग प्राण रहेंगे, एक दूजे का साथ निभाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो, इस दुखिया रे जग में तुम ही नैनन का उजियारा हो, सुने लंबे जीवन पथ का तुम ही एक सहारा हो, सुने लंबे जीवन पथ का तुम ही एक सहारा हो। तुम संग हो तो पाव मेरे कभी न ठोकर खाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो, हमको मिलकर इस दुखियारे जग को स्वर्ग बनाना है, हमको मिलकर इस दुखियारे जग को स्वर्ग बनाना है। सब अपने हैं, सबको मानवता का प्यार सिखाना है, सब अपने हैं, सबको मानवता का प्यार सिखाना है। जो सबको उजियारा दे, एक ऐसी ज्योत जगाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो। हेलो विजय बाबू। ओ किरण, कब आई? आने की खबर तक नहीं दी तुमने? खबर करके आने में मजा ही क्या है विजय बाबू, मैं तो अचानक ही बीच में कूद पड़ती हूँ। कूद पड़ना आसान है, लेकिन किनारे तक पहुँचना जरा मुश्किल है। किरण तैरना जानती है और बड़े मजे से तैरती तैरती किनारे जा पहुंचेगी। आपके अभी तक यही खद्दर के कपड़े चल रहे हैं और क्या? इसकी कुछ झलक इधर भी नजर आ रही है। अगर आपको कपड़ों के ही डिजाइन पसंद करने हैं तो हमारे भाई साहब से मिलिए। अमेरिका में और कुछ ना सीखा हो, लेकिन तरह तरह के डिजाइन के कपड़े पहनना तो सीख ही आए हैं। एक्सीलेंट, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। कुछ भी कहो, आदमी दिलचस्प है। जी हाँ, वो अमेरिका से तो लौट आए हैं, लेकिन दिन रात वहीं के सपने देखा करते हैं। फाइन फाइन, सपने देखना कोई बुरी चीज नहीं। तुम और विजय बाबू भी तो एक सपना देख रहे हो। हाँ किरण, हम एक बहुत सुंदर सपना देख रहे हैं। हमारा सपना है कि ये सब गांव स्वर्ग बन जाए। हाँ,
मेरा भी एक सपना है और मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। बहुत बेचैन है दिल उस दिन के लिए। आपका सपना क्या गांव में डॉक्टरी करने का है? ना ना विजय बाबू, गांव में नीम हकीम और भूत प्रेत भगाने वाले क्या काम है? लेकिन गांव में ही तो अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है। गांव में अच्छे डॉक्टर का गुजारा कैसे हो सकता है? पैसा ना मिलेगा तो क्या हुआ, गांव वालों की सेवा करने का मौका तो मिलेगा। ना ना मनी फर्स्ट, दुनिया में पैसा ही असली ताकत है, पैसा ही खूबसूरती है और पैसा ही मोहब्बत है। तुमने शहर में रहकर यही कुछ सीखा है? आप तो सिर्फ जीत को सिखाते हैं, तब मैं जहाँ जो सीख पाती हूँ सीख ही लेती हूँ। संसार की पाठशाला में ही इंसान को असली शिक्षा मिलती है। फाइन फाइन, आपकी एक एक बात दिल पर लिखने के लायक है। विजय चलो देर हो रही है, काम पर चलें। जीत तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी? किरण अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम जा सकती हो, हमें अभी बहुत काम करने हैं। समझी, आओ विजय चलो। काम पर नहीं चलना है श्रीमान जी? तो क्या मैं आराम से बैठा हूँ, काम ही तो कर रहा हूँ। खूब जचते हो इस काम में, मालूम होता है कोई खानदानी धोबी हो। ये तो नौकर भी कर लेगा, अब चलो ना काम पर। मैं अपने काम नौकरों से नहीं कराता। हाँ अगर कोई जीवन साथी मिल जाए तो दूसरी बात है। माता जी से कहना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कोई धोबन ढूंढ दे। मुनीम जी, विजय और जीत की जोड़ी राम और सीता की जोड़ी है। मैं तो आपसे कई बार कह चुका हूँ माँ जी। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जरा काम में हाथ बटाओ ना। मैं धोबन नहीं, ठाकुर कल्याण सिंह की भतीजी हूँ। अगली हर आदमी धोबी है। तो आपका मतलब ये हुआ कि हर औरत भी धोबन है? हाँ, हर एक को अपना अपना मैल धोना चाहिए, तन का, मन का या कपड़ों का। जो कपड़ों की मैल नहीं धो सकता वो मन का मैल क्या धोएगा। लेकिन कई लोग तन के उजले और मन के मैले होते हैं। उनके मन को भी कोई धोने वाला चाहिए। तो आप अपने भाई साहब को क्यों नहीं धोते? उन्हें तो समय अपने आप धो डालेगा, हमें अपनी शुद्ध रखनी चाहिए। जल्दी से कपड़े सुखा डालो फिर काम पर चले। कुछ इनाम भी मिलेगा या यूं ही मेहनत बेकार जाएगी? मैं क्या जानू, अपने मन से पूछो। रतन बाबू के बिलों के मारे तो नाक में दम आ गया है, रोज नई बात, रोज नया बिल, अजीब मुश्किल में जान है। यही तो मैं देख रही हूँ, इंसान पहले अपना खर्च बढ़ाता है और फिर खर्च पूरा करने के लिए उल्टे सीधे रास्ते पकड़ता है। मगर रतन बाबू को पैसों की क्यों चिंता होने लगी? भगवान ने बहुत कुछ दिया है ना। दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ अपने ऊपर खर्च करें, दूसरों की तरफ भी तो देखना चाहिए। रतन और विजय में यही तो फर्क है। नमस्ते माँ जी। जीती रहो, आओ किरण। अरे तू तो बिल्कुल बदल गई, कब आई, आने की खबर भी नहीं दी। मैं तो अचानक ही आंधी की तरह आ जाती हूँ माँ जी। अब आंधी की तरह अचानक वापस न चली जाना। ओ, शायद आंधी की तरह वापस भी चली जाऊं। इस गांव में मुझे कौन चाहता है माँ जी, मुझे शहर जाना ही होगा। बारी पगली, जीत तो तुझे सगी बहन की तरह समझती है। ओ, फाइन, फूलने नहीं तो कांटों ने ही आंचल थाम लिया। जीत यहाँ आई थी? हाँ, और विजय के साथ ग्राम सुधार के काम के लिए अभी गई है। दिन रात यही धुन रहती है दोनों को कि देश को स्वर्ग बनाएंगे। समझी, स्वर्ग बनाना चाहते हैं। स्वर्ग बन सकता है हमारा देश अगर हम अपने अपने काम समझें। अब हम आजाद हैं और अगर हम अपनी आजादी का पूरा फायदा उठाना जान लें तो हमारा देश सचमुच स्वर्ग बन जाए। लेकिन इस आजादी से हमें अब तक क्या मिला है? आजादी ने हमें अपनी किस्मत आप बनाने का मौका दिया है। अब अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना हमारा काम है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ साधन भी तो हमारे पास होने चाहिए। जब हम अपने आप को समझ लेंगे, एक होकर प्रेम से सब लोग अपने पराये का भेदभाव छोड़कर अपने अपने गांव की उन्नति की ठान लेंगे तो साधन तो अपने आप मिल जाएंगे। आखिर सरकार हमारे लिए क्या करती है? अब हमारे देश में पराई सरकार नहीं है, इसीलिए हम उनसे वो सब कुछ करा लेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि क्या हम अपने काम भी करते हैं या नहीं। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि हमारे घरों में झाड़ू भी सरकारी आकर लगाए? आज हम आजाद हैं तो हमें आजादी की कीमत भी समझना चाहिए ताकि किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका ही ना मिले। बहनों,
दिखा दो कि गांव किसी बात में शहरों से पीछे नहीं रहेंगे। तुम्हें ये घाघरे और चोलियां छोड़कर साफ और सुथरी साड़ियां पहननी चाहिए, क्योंकि शहर वाले इस पहरावे की हंसी उड़ाते हैं और हमें उन्हें हंसी उड़ाने का मौका नहीं देना चाहिए। क्या तुम चाहती हो हम पुराने रिवाज छोड़ दें? जिन बातों को छोड़ देने में हमारा फायदा है उसे छोड़ ही देना चाहिए। साड़ियों में खर्च भी कम होता है, सफाई भी रहती है और देखने में भी खूबसूरत लगती है। अच्छा, कल आप लोग फिर इसी समय यहाँ आ जाइएगा, मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी। नमस्ते। 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 ओ, नमस्ते विजय बाबू। अरे तुम यहाँ भी आ गई? ताज्जुब है, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आदमी इस रास्ते पर आए। लेकिन विजय बाबू, मैं आदमी नहीं औरत हूँ। तो तुम औरत हो? अरे ये तो मैंने सोचा ही ना था। बातें ना बनाओ विजय, मैं सब कुछ देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? मेरी हार और किसी की जीत। हार? जीत? मैं आपका मतलब नहीं समझा। बड़े भोले भाले हैं आप। ये हार जीत इन आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखी जाती है विजय बाबू। किरण देवी, जान पड़ता है आपका दिमाग खराब हो गया है। आप तो डॉक्टर हैं, दूसरों का इलाज करने से पहले आप अपना इलाज कीजिए। ये किसका इलाज हो रहा है? इनका। आपकी बहन किरण देवी दूसरों का इलाज करते करते खुद बीमार हो गई है। किरण, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो धूप में क्यों आई? घर में आराम करती। आखिर हुआ क्या तुम्हें? अरे कुछ भी नहीं हुआ है, यूं ही जरा दिमाग में कुछ। अच्छा, जिस तरह आपके भाई साहब रतन बाबू के दिमाग में कुछ हो गया है। जीत, जीत, घर चलो, बहुत देर हो गई, यानी तो पिताजी तुम पर नाराज होंगे। तुम मेरी चिंता ना करो किरण, मुझे अभी यहाँ बहुत काम करने हैं। समझिए आप, अब आप बड़े मजे से तैरती हुई घर के किनारे तक पहुँच जाइए। अच्छा तुम घर तो पहुँचना। मैंने कहा मुनीम जी हैं क्या? कौन? ठाकुर साहब, आइए आइए ठाकुर साहब, पधारिए पधारिए, आइए बराजिए ठाकुर साहब। कहिए ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? जरा दम तो ले लेने दो भैया, फिर बताता हूँ। तो ठाकुर साहब, आप चाय पियेंगे या दूध? मुनीम जी, दूध तो क्या, अब तो मैं इस घर का पानी भी न पी सकूंगा। अच्छा ठाकुर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा कसूर हो गया इस घर से? ना ना मुनीम जी, कसूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो दोनों घरों के संबंध गहरे करना चाहता हूँ। मैं ठहरा लड़की वाला। अच्छा, तो ये बात है ठाकुर साहब। मेरा विचार है मुनीम जी के जीत का ब्याह। अजी ठाकुर साहब, इसमें सोच विचार की क्या बात है, भगवान ने तो पहले से ही सोच रखा, और जीत का जन्म तो इस घर की लक्ष्मी बनने के लिए ही हुआ। ये कहीं मतलब कि मुनीम जी, जीत और रतन की जोड़ी बस लक्ष्मी नारायण की जोड़ी समझो। राम 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 राम, ठाकुर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? जीत और विजय ने तो अपने सपनों की दुनिया जो बसा ली। बच्चे सपनों की दुनिया चाहे जैसी बनाए, लेकिन बूढ़ों को तो उनका भला बुरा सोचना ही पड़ता है। मैं चाहता हूं मुनीम जी के दोनों घरों की आबरू बनी रहे। मैंने कहा ठाकुर साहब, ये आबरू पर आंच आने का डर आपको कैसे हो गया? मुनीम जी, जीत और विजय एक हो गए तो ग्राम सुधार के हवन कुंड में जीत की जमीन जायदाद सब स्वाहा हो जाएगी और लोग मुझे दोष देंगे। तुम ही बोलो। ठीक है साहब, ठीक है ठाकुर साहब, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आपकी इतनी कृपा इस घर पर ही क्यों हो रही है? अगर ऐसी बात है तो जीत का ब्याह किसी दूसरी जगह कर दीजिए। ये क्या कह दिया तुमने? मुनीम जी, मैं तो ये चाहता हूं कि दोनों ठाकुर घराने हमेशा घुले मिले रहें। और सच मानो मुनीम जी, जीत मेरी ऐसी शील वाली लड़की है कि रतन की रंगीन तबीयत पर लगाम लगा कर रखे। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है, अगर आपकी ऐसी ही मर्जी है तो मैं ठकुरानी जी से जरूर अर्ज करूंगा। ये कही मतलब की? अच्छा, तो ये काम तुम्हारे जिम्मे रहा? जी हाँ, बेफिक्र रहिए, घबराइए नहीं। अब मैं चला। कैसे कहूं ठाकुर साहब। मुनीम जी,
ये क्या कल्याण सिंह जी आए थे? क्या कह रहे थे? जी वो जीत के ब्याह की बात करने आए थे। तो क्या यूं ही चले गए? आपने क्या कहा उनसे? मैंने कह दिया कि मैं आपसे बात करूंगा। इसमें बात क्या करनी है, ये तो राम सीता की जोड़ी है। तो फिर मैं उन्हें मंजूरी दे दूं? भला इसमें पूछने की क्या बात है? लेकिन मैंने कहा माँ जी दोनों के स्वभाव तो मिलने चाहिए। आप बड़े भोले हैं भोलानाथ जी, जीत और विजय दो कहाँ हैं? जिस दिन जीत इस घर में बहू बनकर आएगी, विजय का रोम रोम मुस्कुरा उठेगा। लेकिन रतन बाबू तो ये चाहते हैं कि जीत उनकी हो, और अब कल्याण सिंह जी भी यही कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये कभी नहीं होगा। बिना माँ बाप के बच्चे पर मैं ये जुर्म नहीं होने दूंगी। मैंने उसे गोद में पाला है। माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? जब ये भेद अपने आप मेरे मुंह से खुल गया है, मैं कुछ न छुपाऊंगी। ये उस वक्त की बात है जब हम शहर में थे और आप भी हमारे पास नहीं थे। रतन उस वक्त बच्चा था। रतन के पिताजी ने एक बच्चा ला के मेरे गोद में दिया और मुझसे कहा, इसके बाप ने मेरी जान बचाई है, अब इसका कोई नहीं। मैंने कहा, मेरे पति की जान बचाने वाले का बच्चा मेरा बच्चा है। धन्य है आप। तब से विजय मेरी गोद में पला। उन्होंने भी उसे अपना ही बच्चा माना। तो माँ जी क्या विजय भी इस बात को जानता है? नहीं मुनीम जी, दूसरे के घर में पलने वाला बच्चा एक छोटापन महसूस करता है। उसके साथ चाहे जितना प्यार का बर्ताव किया जाए, उसका मन दुखी ही रहता है। विजय अनाथ था, मैं उस पर एहसान का बोझ नहीं डालना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो इस घर को अपना ही समझे। नॉनसेंस। अजीब है मां तुम्हारा परोपकार। अपने बच्चे को तो राह का भिखारी बनाना चाहती हो और राह के भिखारी को घर का मालिक, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रतन, वो अनाथ लड़का घर का मालिक बन बैठा है और हजारों रुपए ग्राम सेवा के नाम सिर्फ जीत का मन जीतने के लिए पानी की तरह भर रहा है, उसके बाप का क्या जाता है? रतन, मैंने उसे अपनी गोद में पाला है, वो मेरा बच्चा है, तुम्हारा भाई है। भाई समझकर तो आज तक चुप रहा, लेकिन आज वो लिहाज खत्म हो गया है। ये मेरी खुशकिस्मत ही है कि मेरा भाई नहीं, धोखेबाज ढोंगी। रतन माँ। रतन भैया, माँ को नाराज ना करो। माँ मुझे इस घर से विदा दीजिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैंने सब कुछ सुन लिया है। विजय आपका बेटा है और आपका बेटा रहेगा, लेकिन रतन के घर से उसे जाना ही होगा। ये घर पहले तेरा है, बाद में रतन का। उनकी इच्छा थी कि उनका जो कुछ है तुम दोनों को आधा आधा मिले। क्या तू उनके प्रेम का अपमान करेगा? मैं आपके स्नेह और आपके पति का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे विजय, विजय। मुनीम जी। विजय, घर की हवेली छोड़कर तुम यहाँ झोपड़ी बना रहे हो? झोपड़ी में मैं ज्यादा आजादी से अपने सपने पूरे कर सकूंगा मुनीम जी। लेकिन भैया, क्या कोई इस तरह अपना घर छोड़ता है? मैं तो सारी दुनिया को अपना घर समझता हूँ। विजय, माँ जी का मन तुम्हारे बिना पूजा में भी नहीं लगता, उनके मन को क्यों दुखाते हो? माँ का मन? मन तो मेरा भी माँ के लिए तड़पता है, लेकिन जिस बात से उनके सगे बेटे का मन दुखता है, वो भी तो मैं नहीं कर सकता। आप माँ को समझाइए, उनका विजय अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहता है। जो कुछ वो दुनिया से कहता है उसी पर वो खुद अमल करेगा। ये मैं जानता हूँ विजय कि तुम अपनी जिद ना छोड़ोगे, लेकिन विजय कभी कभी मां से मिल तो जाया करो। अच्छा अच्छा, तो मैं चलता हूं। वेल वेल जीत कुमारी, हमसे कुछ कसूर हुआ है? जी हाँ। हम भी तो सुने क्या कसूर हुआ है। यही कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती और आप मुझसे जबरदस्ती उलझते हैं। आखिर आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है? नफरत तो नहीं, मुझे आप पर दया आती है। दया? एक्सीलेंट, बड़ी मीठी बात कह दी आपने। दया आती है तो मेरी दरखास्त मंजूर कर लीजिए, मुझे भी अपने दिल का हाल कहने का मौका दीजिए। आप मेरे रास्ते से हट जाइए। मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो?
तो मेरे घर में कदम ही क्यों रखा? मैं विजय बाबू से मिलने आई हूँ। विजय अब यहाँ नहीं है, वो चला गया यहाँ से। कहाँ चले गए? जीत, माँ जी, विजय बाबू कहाँ चले गए? वो घर छोड़कर चला गया, मुझसे रूठ गया है। आपसे रूठ गए हैं? उनकी इतनी हिम्मत? आप चिंता ना कीजिए, मैं जानती हूँ वो कहाँ गए होंगे। मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ। माँ, इस उजाड़ बस्ती में मेरा वैसे ही जी नहीं लगता। इस पर आप चाहती हैं कि दिन भर घर में बंद रहकर क्या छत की कड़ियां गिनती रहूं या आपके पान लगाती रहूं? नो नो पापा, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो सख्त सजा है। अरे सजा तो मैं भुगत रहा हूँ तेरे बाप होने के जुर्म की। तू तो इधर उधर फिरती फिरती है, घर में तो जी लगता ही नहीं, उधर जीत है वो विजय के साथ मंडराती फिरती है। हैं? तो गांव में पंचों के सामने नाक किसकी कटती है? तू जरा सीधी खड़ी रहना, नाक कटती है मेरी। पापा, अब जमाना बदल चुका है, अब औरतें भी आजाद हो चुकी हैं। आपके पंच हमारे पांव में बेड़ियां डालकर घर में बंद नहीं कर सकते। बहुत देर हो गई। अच्छा, अब मैं चली। नमस्ते। अरे अरे सुन तो, बस चली गई। मैंने कहा ये किस पर बिजली गिराने की तैयारियां हो रही हैं? किसी पर भी? तुम्हें क्या? हाँ, दुनिया में हम ही एक टूटी किस्मत लाए हैं। ओहो, पापा के पास उस टूटी किस्मत की मरम्मत कराने आए हैं। लेकिन रतन बाबू, योर केस इज होपलेस। क्यों? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जीत के दिल के दरवाजे पर नया वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। नॉनसेंस, इट्स अ चैलेंज, चुनौती दे रही हो। हाँ, अगर तुम में कुछ दम है तो जीत से शादी करके दिखाओ, ताकि तुम्हारे लिए मैदान खाली हो जाए विजय की दुनिया में पहुंचने के लिए। ओके, आई विल हेल्प यू। ना रतन बाबू, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, आप अपने ही किस्मत में टांके लगाइए ना। टाटा। नॉनसेंस, क्या लड़की है, न चूना है न कत्था है। हेलो अंकल। रतन, आओ आओ बैठो। क्या हाल है? बस जिए जा रहे हैं चाचा जी, न जाने आपको कब मुझ पर तरस आएगा। भैया, मैं करूं तो क्या करूं? विजय ने जीत पर कुछ ऐसा जादू किया है कि वो तुम्हारा नाम सुनते ही भड़क उठती है। नॉनसेंस, बट अंकल यू आर हर गार्डियन, आप उसकी शादी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन भैया, अब वो जमाना तो रहा नहीं कि लड़की को गाय की तरह जिस खूंटे से चाहो बांध दो। आखिर जबरदस्ती करने के लिए कोई बहाना भी तो चाहिए। चाचा जी, शादी ब्याह हमेशा बराबर वालों में हुआ करते हैं। वो विजय, जिसका ना घर ना बार ना माँ बाप का पता है, जीत से शादी करने के सपने देखता है। क्या कह रहे हो रतन, विजय तो तुम्हारा भाई है। नॉनसेंस, कौन कहता मेरा भाई है? हैं? वो तो मेरे पिताजी का पाला हुआ अनाथ लड़का है। आए आए आए। हाँ, ये राज मुझे कल ही माता जी से मालूम हुआ। क्या कह रहे हो रतन? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ऐसा? जी। तो ये बात हुई मतलब की? अब कल्याण सिंह शेर, तुम बैठे क्या हो, उठो जाओ ना, जाकर शादी की तैयारियां करो। नॉनसेंस, लेकिन पहले आप जीत। जीत का पागलपन अब एक मिनट में दूर कर दूंगा। ये क्या पागलपन कर रहे हो? पागलपन? इतना बड़ा घर छोड़कर झोपड़ी बना रहे हो, ये पागलपन नहीं तो क्या है? तुम भी इसे पागलपन ही कहोगे ना। ऊंचे महलों में रहने वाले झोंपड़ी में रहने वालों को पागल ही समझा करते हैं। आखिर हो तो धनवान की बेटी। जान पड़ता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब तक हवेली में रहता था तुम्हारी समझ में मेरा दिमाग ठीक था, आज अपनी झोंपड़ी बना रहा हूँ तो तुम समझती हो दिमाग खराब हो गया है। मैं समझती नहीं, कहती भी हूँ कि सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हो नहीं गया, बल्कि खराब था जो तुमसे अपने रास्ते पर चलने की आशा करता रहा। आज विजय हवेलियों का मालिक नहीं तो जीत की नजरों में भी उसकी कोई कीमत नहीं। आखिर हो तो इसी दुनिया की औरत। मुझे पता नहीं था कि विजय भी औरों की तरह छोटे विचार का होगा। अब तो पता चल गया, पैसे वाले किसका साथ निभा सकते हैं। जो अपनी माँ का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा।
अरे विजय, ओ, ये झोंपड़ी बनाते हुए भी तुम कितने खूबसूरत दिखाई पड़ते हो। पागलपन में कुछ ना कुछ खूबसूरती होती ही है, समझी? तो मुझे भी इस पागलपन में साथी बना लो, मेरे जीवन सागर में तुम नाव बनकर आओ विजय, तो मेरा भी संसार सुंदर हो जाएगा। तुम भूलती हो किरण, विजय तो एक ऐसी नाव है जिसकी पतवार टूट चुकी है। मुझे भी इस नाव का बहुत शौक है, इस नाव की मरम्मत मैं कर लूंगी। किरण विजय रत्न नहीं है। तुम पहाड़ की तरह कठोर हो विजय। फिर भी तुम पहाड़ के पास आती हो? हाँ, मैं पहाड़ के हृदय से झरना बहाना चाहती हूँ। झरना तो बहता है विजय के हृदय से, लेकिन उस झरने की एक बूंद भी किरण के लिए नहीं है। अगर तुम इसे छू भी लोगी तो सारा झरना जहरीला हो जाएगा। इतना जहर है मुझमें? हाँ। और जीत अमृत है, पारस लोहे को भी सोना बना देता है। मैं लोहा नहीं, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी जैसी तितलियों के लिए मेरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। अच्छी बात है, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा जी नमस्ते। नमस्ते। सरकार का हुक्म हो तो दो चार जोड़ी टाट के कपड़े भी सिलवा डालूं। आप सोने और चांदी के कपड़े पहनिए, मुझे उससे क्या मतलब? जी हाँ, आपको तो सिर्फ विजय से मतलब है, जिसके ना माँ बाप का पता है, जो हमेशा दूसरों की जूठन पर पड़ा रहता है। देखिए रतन बाबू, आप हद से बाहर जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि मेरी बात में सच्चाई का जोर है। आप विजय से पूछ देखिए, क्या वो मेरे पिताजी की रोटियों पर नहीं पला? एक अनाथ लड़का मेरे पिताजी की दया का ये फायदा उठा रहा है कि अपने आप को जायदाद का हकदार समझे, और तो और आपको भी झांसा दे। तब तो बड़ी भूल हुई मुझसे। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। आप अब भी अपनी भूल सुधार सकती हैं। बेशक, मुझे अपनी भूल सुधारनी चाहिए। लेकिन आप चली कहां? अपनी भूल सुधारने। बस बेटा रतन, अब जीत तुम्हारी है। मुनीम जी, क्या जीत भी अभी तक जवाब लेकर नहीं आए? विजय अपनी आन का पक्का है मां जी, वो वापस नहीं आएगा। अपनी मां पर तरस खाकर भी नहीं? क्या वो मुझसे भी नाराज है? नहीं मां जी, आप तो उसके रोम रोम में बसी हुई हैं, उसका मन भी आपके लिए बेचैन रहता है। वो मूर्ख माँ की जिंदगी को आंसुओं के समुद्र में डुबा गया है। विजय, जीत। दो रही हो पगली, ये तो टूटी हुई पतवार जुड़ गई, मंझधार में पड़ी हुई नैया संभल गई। मैं भी कहां जा सकती थी, प्राण बिना देह कैसी, जन्म जन्म की प्रीति एक दूसरे को सच्चा मीत बनाती है। Thank you.
उदास नजर आ रही हो, क्या बात है? बेटा घर से चला जाए और माँ उदास भी न हो, ये कैसे हो सकता है? माँ बेटे से रूठी रहे तो क्या बेटे का मन उदास नहीं होता? तुम मेरे दुख को क्यों नहीं समझती? तुझे किस बात का दुख है? तुम समझती हो मुझे कोई दुख नहीं, न मेरा दिल है, न मुझे किसी से प्यार की जरूरत है। मैं सबकी आंखों का कांटा बना हुआ हूं। माँ भी बेटे से नफरत करती है। बेटे से नहीं, उसकी बुराइयों से नफरत करती है। लेकिन माँ, प्यार से बुरा भी अच्छा बन सकता है। आपने विजय पर अपना सारा प्यार उंडेल दिया, वो आदमी बन गया। मुझे भी आदमी बनने का मौका दो। क्या तू सचमुच सुधरना चाहता है? हाँ माँ, मुझे सहारा मिले तो मैं कांटे से फूल बन सकता हूँ। सहारा? क्या सहारा चाहता है? वचन दो, जो मांगूंगा वो दोगी? बेटे की अच्छाई के लिए माँ सब कुछ दे सकती है। मुझे जीत चाहिए। जीत? हाँ माँ, आप चाहें तो जीत मेरी हो सकती है। जीत विजय की जिंदगी है, वो मैं उसे कैसे छीन सकती हूँ? क्या माँ के लिए विजय इतनी भी कुर्बानी नहीं करेगा? माँ, माँ, आप मुझे जिंदा रखना चाहती हैं, तो जीत का सहारा दिला दीजिए। दिला दीजिए ना माँ। हाँ कह दो ना माँ, बोलो। एक बेटे को मारकर माँ दूसरे बेटे को जिंदगी कैसे दे? अच्छी बात है, आप मुझे प्यार की गोद से निकालकर निराशा के समुद्र में डाल रही हैं। लेकिन माँ, रतन ऐसा तूफान उठाएगा जिसमें न विजय बचेगा न जीत बचेगी। और माँ, ये रतन उसी तूफान में खो जाएगा। रतन, 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 मेरी बात तो सुन। हीरा, अरे मेरी बात तो सुन। नो नो डैडी, मैं इस गांव में नहीं रहूंगी, शहर वापस चली जाऊंगी। शहर चली जाऊंगी? शहर में धर्म खाते खुले हुए हैं तेरे लिए, शहर में रहने का खर्चा कहाँ से आएगा? शहर में बीमारों की क्या कमी है? फिर भी अगर खर्चा कम पड़ा तो आप भेज देना। आखिर ये आपका इतना रुपया पैसा किस काम आएगा? किस काम आएगा? लड़कियों का मुंह लगाना भी बेवकूफी है। जानती तो कुछ है नहीं, खट से कह दिया कि रुपया पैसा किस काम आएगा। अरे पगली, ये रुपया न किरण का है न किरण के बाप का, ये रुपया है जीत का और जीत के बाप का। तब आप जिंदगी भर क्या करते रहे? झक मारता रहा। अरी पगली, पैसा मिलता है किस्मत से, और किस्मत को बदलना ये मेरे बस की बात नहीं। आदमी सिर्फ हाथ पैर मार सकता है, तरकीबें लड़ा सकता है, वो मैं कर रहा हूँ। That's good, really good. कीजिए और जोर कीजिए। ये कहीं मतलब की तुझे पैसा चाहिए तो तू यहीं रह, पैसा मिलेगा। अच्छा, जैसा मैंने सोचा है, अगर वैसा मामला जम गया तो बस पैसा ही पैसा है। लेकिन डैडी, पैसा आएगा कहाँ से? तू अभी बच्ची है, आम खाने से मतलब रख, पेड़ गिनने से नहीं। अच्छा, अच्छा। तुझे पैसा चाहिए ना? हाँ। पैसा आ रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है चाचा जी? पैसा? पैसा तो आएगा भी और जाएगा भी, मगर तू कहाँ जा रही है? तू अब कहीं भी आने जाने नहीं पाएगी। क्यों? जब तक विजय की असलियत नहीं मालूम थी मैंने तुझे नहीं टोका, लेकिन अब तुझे बदनामी के रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। विजय क्या अपनी बराबरी का है? तुझे उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। चाचा जी, मैं आपकी इज्जत करना चाहती हूँ, आप कोई ऐसा हुक्म ना दीजिए जो मुझे तोड़ना पड़े। तो तुझे भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पुल की नाक कटे, हमें समाज में रहना है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मेरे कुल का सर नीचा हो। तो ये सर ऊंचा करने की बात है कि जिसके माँ बाप का पता नहीं ऐसे कमीने छोकरे के साथ दिन दिन भर घूमा करती है। चाचा जी, उन्हें कमीना मत कहिए। जबान चलाती है, जान दो। मेरे तो कान पक गए लोगों की बातें सुनते सुनते। पापा, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चुप रह, तुझसे कौन पूछता है? बच्चों, सिर्फ पढ़ना लिखना सीख लेना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपनी आदतें और चाल चलन भी मजबूत बनाने चाहिए।
तुम लोग ही तो देश के अंग हो। तुम लोग मजबूत बनोगे तो देश मजबूत बनेगा। हर आदमी के हर काम का असर देश की किस्मत पर पड़ता है। किसी काम में ढील देकर तुम अपना ही नहीं अपने देश का नुकसान करते हो। देश हमारी माँ है और बच्चों का धर्म है कि माँ को सुखी रखें। हाँ, बच्चों का धर्म है कि माँ को सुखी रखें। माँ बेटे जीते रहो। अच्छा, अब तुम लोग छुट्टी मनाओ। आखिर माँ को ही चलकर बेटे के पास आना पड़ा ना। पाँव दाब दूँ माँ। पगले, पाँव का दर्द तो नौकर चाकर भी दूर कर सकते हैं, पर मन की पीड़ तो बेटा ही दूर कर सकता है। अंदर चलकर बैठो माँ, मेरे रहते हुए तुम्हारे मन का कोई दुख नहीं हो सकता। अंदर चलकर बैठो माँ। नहीं, यही ठीक है। मेरे चले आने से तुम्हें बहुत दुख हुआ? नहीं तो, तू यहाँ खुश है ये देख के मैं भी खुश हूँ। गांव के बच्चों को तू आदमी बना रहा है, लेकिन रतन को आदमी कौन बनाएगा? रतन को तो इंसान बनाने वाला दुनिया में कोई नहीं है माँ। नहीं है। कौन? जीत। जीत? हाँ बेटा, जीत मिल गई तो तेरा भाई इंसान बन सकता है। माँ, जीत मेरा जीवन है। मेरा बेटा बड़ा दानी है, माँ की झोली भरने के लिए वो क्या नहीं दे सकता। माँ, जीत को खिलौना तो है नहीं जो मैं उठाकर दे दूं उसकी मर्जी। जीत अपनी देवता का कहां मानेगी? लेकिन माँ, जीत को मैं अपना गला घोटने के लिए कैसे कह सकता हूं? तुम माँ अपने बेटे के दरवाजे से खाली हाथ जा रही। कही पुनीम जी, हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई है? जी नहीं, जी नहीं। बात यह है कुंवर साहब, जब से आप आए हैं हिसाब में कुछ गड़बड़ ही रहती है। तो मुनीम जी, ऐसा कीजिए कि इस हिसाब किताब से आप छुट्टी कर लीजिए। आप ये सब मैं संभाल लूंगा। तब तो कुंवर साहब ये समझिए कि सब रकमें नामे ही नामे में होंगी, जमा में कुछ नहीं। कौन कहता मैं हिसाब नहीं जानता? हिसाब जानते कुंवर साहब तो क्या ये नहीं समझते कि 3 से 2 कम होते हैं? ये तो एक बच्चा भी जानता है। तुमने घर में से एक आदमी को कम कर दिया और समझते हो कि मैंने घर का फायदा किया है। मैं कहता हूं कि भाई भाई की लड़ाई से घर बर्बाद हो जाता है। खैर छोड़िए इन बातों को, गल्ले में कुछ माया हो तो दिलवाइए। गल्ले में? गल्ले में तो कुछ नहीं है कुंवर। निकालिए, निकालिए, जल्दी निकालिए। आप मजबूर कर रहे हैं कुंवर साहब, राम भला करे आपका। ये लीजिए। नॉनसेंस, दूसरा कोई मांगे तो हजारों गिनोगे और मेरे लिए गल्ला हमेशा खाली है। 10 रुपट्टी निकाल दिए, ऐसी क्या दुश्मनी मुझसे? कुंवर साहब, मालिक से नौकर दुश्मनी कर सकता है? जो कुछ था सो हाजिर कर दिया। अच्छा तो उधर से निकालिए, उधर से निकालिए। कुछ नहीं है उधर, कुछ नहीं है, जल्दी निकालिए। मैंने कहा विजय को बुला लीजिए। और निकालिए, निकालिए जल्दी। और कुछ नहीं है। हेलो मम्मी, आपकी बात मानी विजय अरजीत ने? तो मालूम होता है आप अपने प्यारे बेटे के दरवाजे से खाली हाथ लौट आई। जिसे अपने बेटे ज्यादा माना उसने माँ के लिए जरा सी कुर्बानी करने में इतनी आनाकानी की। चुप रहो रतन। जीत, जीत बेटा, क्या है चाचा जी? मुझसे नाराज है जीत? मैं क्या करूं बेटी, ये गांव वाले मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। सचमुच कल मुझसे बड़ी भूल हुई। आप बड़े हैं चाचा जी। ये कही मतलब की
तुझसे एक जरूरी काम है बेटा। क्या काम है? इस पर तेरे दस्तखत चाहिए। लेकिन चाचा जी ये तो बिल्कुल कोरा कागज है। तू बस दस्तखत कर दे इस पर, और जो कुछ लिखना है वो बाद में लिख लिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? बेटी वो शहर में अपनी जमीन जायदाद का कुछ झगड़ा चल रहा है, उसमें तेरी तरफ से दरख्वास्त जानी है। लेकिन मुझे मालूम तो होना चाहिए कि कैसी दरख्वास्त जानी है। बेटी मैं इन वकीलों की अकल से तंग आ गया हूँ, लिख कर भेजा है कि सिर्फ दस्तखत कराकर भेज दो और जो कुछ लिखना है वो यहाँ लिख लिया जाएगा, और मुसीबत यह है कि अब आने जाने का वक्त भी नहीं है। लेकिन इसमें कोई धोखा तो नहीं होगा? राम राम, भतीजी के साथ विश्वासघात करके मुझे नरक में जाना है, है? तो मैं कर दूं दस्तखत? ये कही मतलब कि इसमें भी सोचने की बात है, है? ये लीजिए। शाबाश शाबाश। अच्छा, बेटी तो मैं जाऊं? जाओ बेटी जाओ। जीत जीत जी, इसमें दस्तखत कहाँ है? जिस स्याही से आपने दरख्वास्त लिखाई उसी स्याही से मैंने दस्तखत कर दिए। अच्छा नमस्ते। कल की छोकरी मुझे चराने चली है, हैं? देख लूंगा। कलुआ, श्रीमान जी चलिए ना काम पर। सुस्त क्यों हो? क्या अभी से थक गए साथी? थक नहीं गया जीत, लेकिन आज जीवन के एक ऐसे रास्ते पर आ पहुंचा हूं जिसके एक तरफ तो कुआं है और दूसरी तरफ बावड़ी। ठीक रास्ते का पता नहीं चल रहा। तो इसमें कौन सी चिंता की बात है? मन जिस रास्ते पर चलने को कहे उस रास्ते पर चलो, ठीक ना होगा तो वापस लौट आएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सोच तो यही रहा हूं कि जीत और विजय का साथ रह भी सकेगा या नहीं। संसार की कोई शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हें मेरे पास से छीनने आई थी। कौन सी शक्ति? मां। मां? रतन की मां? हाँ, मेरी मां। कहती थी रतन को सिर्फ जीत ही आदमी बना सकती है। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, माँ ये कहती हुई लौट गई कि बेटे के दरवाजे से खाली हाथ जा रही हूं। माँ ने ये कहा और वो चली गई? कहाँ जा रही हो जीत? तुम्हारे मन की निर्बलता से जो भूल हुई है मैं उसे सुधारने जा रही हूं। जीत? जीत को विजय ने कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो बिल्कुल मेरे कहने के बाहर हो गई है। इतने ऊंची और अमीर घराने की लड़की होकर वो विजय जैसे दो कौड़ी के छोकरे को मुंह लगा रही है। खानदान की इज्जत ही नहीं, सारी दौलत ग्राम सेवा के नाम पर लुटा रही है। हमारे घरानों की लड़कियां अगर बड़े बूढ़ों का कहना न मानकर मनमानी करती फिरेंगी तो समाज की मर्यादा कैसे रहेगी? आप उसके चाचा कैसे? घर के बाहर निकले तो उसकी टांग तोड़ दो। ये कही मतलब की? लेकिन भाइयों, अगर मैं ऐसा करता तो आप लोग ही मुझे दोष देते कि मैं भाई की जायदाद हड़पने के लिए भतीजी पर जुल्म कर रहा हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता ये हूँ कि जीत अभी अपनी संपत्ति में से कुछ भी खर्च न कर सके, और मैं जिसके साथ उसका ब्याह करना चाहूँ उसे वो मंजूर करे। हमारे मंजूर होने से क्या होता है? जीत मंजूर करे तब है ना। जीत पंचों का हुक्म जरूर मंजूर करेगी। अच्छा हुआ जो आप लोग यहाँ आ गए, नहीं तो मुझे तकलीफ देनी पड़ती। चाचा जी लाइए वो कोरा स्टैंप जिस पर आप मेरे दस्तखत चाहते थे। जीत, डरिए नहीं चाचा जी, मैं वही करने वाली हूँ जो आप चाहते हैं। मैंने सोच लिया है कि इसी में मेरी भलाई है। ये कही मतलब कि? आप सब मेरे चाचा जी को तो अच्छी तरह जानते ही हैं। मेरे पिताजी की सारी संपत्ति आज तक यही संभालते आए हैं, पर अब लालच ने इन्हें अंधा कर दिया है। ये क्या कह रही तू? ये क्यों नहीं कहती कि विजय के पीछे तू अंधी हो रही है? लेकिन इस अंधी को इतना जरूर सूझता है कि मेरे चाचा तिजोरी के रुपए गिनते गिनते तिजोरी के मालिक बनने के लोभ में पड़ गए हैं। सुन रहे हैं आप लोग इस छोकरी की बातें? मैं इसे और इसकी जायदाद को उस गुंडे से बचाना चाहता हूँ तो ये मुझ पर तोहमत लगा रही। देवता को गुंडा कहने का पाप न कीजिए चाचा जी। वो जमीन जायदाद के भूखे नहीं, और न उनकी इस पुजारिन को माया का मोह है। मैं इन पंचों के सामने अपना सब कुछ दान कर दूंगी। दान कर देगी ग्राम सेवा के नाम पर विजय को? सच्चे इंसान को दौलत नहीं चाहिए, जो दौलत के गुलाम है। मैं दौलत उन्हीं को दूंगी। डैडी
तो हमारा क्या होगा? ये कही मतलब कि मैं भी यही सोच रहा हूँ। किरण, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। सुनो पंचो, मैं अपनी मर्जी से अपना सब कुछ किरण को देती हूँ। ये कही चलो किरण। पिताजी। बेटा, जब जीत नहीं मानती है तो फिर जाओ। देख रहे हैं आप लोग, लड़की क्या है, जैसे आग है आग। जैसा बाप वैसी बेटी, इनके बाप भी तो सच्चे ठाकुर थे। लीजिए, आप भी आ गए उसके रुआब में। मैं कहता हूँ सेठ जी, वो जो कुछ कर रही है ये सब पागलपन है उसका। ये सब शिक्षा विजय की दी हुई है। जी, तुम क्या कर रही हो? कोई जमीन जायदाद इस तरह छोड़ता है? मैं ये जानना चाहती हूँ किरण, कि जिस दौलत के लिए अपने भी बेगाने हो जाते हैं, उसके बिना सुख और शांति मिल सकती है या नहीं। ये लो किरण, अब तुम जिस तरह चाहो अपना जीवन बिता सकती हो। तुम बड़ी चालाक हो जी, सबसे कीमती चीज अपने पास रख ली और फालतू चीजें मुझे दे दी। ये फालतू चीज है किरण? मेरे पास कौन सी कीमती चीज है? विजय सो तो है, पर आज विजय के पास मां गई थी और मुझे रतन के लिए मांग रही थी। ठीक तो है, तुम और विजय ये कुर्बानी कर सको तो ये भाई भाई की लड़ाई ही खत्म हो जाए ना। हाँ किरण, मैं आज सारे झगड़े मिटा दूंगी। अब तुम जाओ किरण। अच्छा। ना ना पापा, क्या बेटी के माल पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं? धीरे बोल, धीरे बोल। मेरा मतलब ये है, मैं ये चाहता था कि इसे जरा संभाल कर रखूं। जी नहीं, मैं अपनी चीजों की खुद संभाल कर लूंगी। मगर ये जोखिम की चीज है, इतनी दौलत। पापा, आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, अब आपको इस दौलत का नाम छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है ना पापा? मगर तू जा कहाँ रही है? मैं ये देखने जा रही हूँ पापा कि इस दौलत का असर दूसरे के दिल पर क्या होता है। यानी? पापा आप नहीं समझ सकते। ओ, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, क्या समय आ गया है। तो आखिर क्या विचार है तुम्हारा? मेरा विचार क्या है? मैं तो किसी पैसे वाले के साथ शादी कर लूंगी। पैसे वाले के साथ शादी? पैसे वाला तो किसी पैसे वाली के साथ ही शादी करेगा। ओहो, तो क्या आप समझती हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं रास्ते की भिखारन हूं? वाह वाह, इस छोटे से बैग में बहुत बड़ा बैंक बंद है मिस्टर। बैंक? जी हाँ। ये देखिए। कहिए, आप खुल गई आपकी आंखें? ये जरा दे दीजिए। बस मान गए, इसे कहते हैं किस्मत। लेकिन आखिर ये बदली कैसे? क्यों, जलन हो रही है? आपकी सारी स्कीम फेल हो गई, मुझे बहुत अफसोस है। स्कीम? कैसी स्कीम? कैसी स्कीम? जीत से शादी करके उसकी जायदाद के मालिक बनने की, और कैसी? ओह व्हाट नॉनसेंस। किरण, तुम भी मुझे गलत ही समझती हो। नो नो रतन बाबू, आई अप्रिशिएट यू। आप में जिंदगी है और वो विजय गंवार जंगली। और आप? लवली किरण, लवली। ऐसा जान पड़ता है कि तुम बोल कर रही हो, कोई प्यारा गीत सुना रही हो। मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? चाहता हूँ कि तुम्हारी मीठी और सुरीली आवाज में खो जाऊं। ओके देन। हंसने का
जा रही हो? तुम्हारे पास ही तो। कल तो तुम मुझसे रुक गई थी। नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। तमाशा? हाँ, इस दुनिया का तमाशा। मैं अपने सर से जमीन और जायदाद का बोझ उतार आई हूँ और अब तुम्हारे मन का बोझ उतारना चाहती हूँ। मेरे मन का बोझ? हाँ, तुम्हारे मन पर इस बात का बोझ है कि माँ तुम्हारे दरवाजे से खाली हाथ लौट गई थी। चलो मेरे साथ। न जाने तुम क्या करना चाहती हो। चलो ना। माँ जी। माँ। विजय, बड़ी भूल की थी विजय बाबू ने। कैसी भूल? माँ को अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया था ना। ये क्या कह रही हो जीत? हमारे जीवन का कुछ भी हो, पर हम आपको दुखी नहीं देख सकते माँ जी। चलिए रतन बाबू के पास आइए। किरण, कब तक यूं ही जलाती रहोगी? लाइए, मैं आपका सिगरेट जला देती हूँ। तुम भी हमेशा कलेजा ही जलाती रहती हो। मेरे मन को तो उस दिन शांति होगी जिस दिन तुम्हारी और मेरी शादी की शनाई बज उठेगी। क्यों, जीत का ध्यान बिल्कुल छोड़ दिया आपने? जीत और मैं? अरे वो तो एक मजाक था तुम्हें चिढ़ाने के लिए। दरअसल जीत भी एक अजीब लड़की है। वो अजीब लड़की हाजिर है आपके लिए। आपके लिए क्या मतलब? आप मुझे पाए बिना इंसान नहीं बन सकते थे ना। चलिए अब मुझसे शादी करके इंसान बनिए। मैंने कहा था ना कि विजय मेरा कहना कभी नहीं टालेगा। सोच क्या रहे हो भाई साहब, मेरी ये पूंजी भी आप ले लीजिए। नॉनसेंस माँ, मेरे विचार जीत से नहीं मिलते। ये बिल्कुल पुराने ख्यालात की हिंदुस्तानी लड़की है। भाई साहब मुझे ये नहीं चाहिए। बेशरम बेहया, तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? मुझे ये दिन दिखाने के लिए क्यों जिंदा रहा? तुझे शर्म नहीं आई माँ विजय और जीत के हृदय से खेलते हुए? माँ जी, मैं जानती थी कि रतन बाबू और चाचा जी यूं मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने पहले ही अपनी जमीन और जायदाद किरण को दान कर दी थी। आप रतन बाबू की चिंता न करें माँ जी, इन्हें जिस चीज की अभिलाषा है वो इन्हें किरण से मिल जाएगी। आइए। रतन बाबू। किरण, मुझे तुम इस वक्त अकेला ही छोड़ दो। रतन बाबू, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे कलेजे में अपमान की आग जल रही है, मुझे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लगता। रतन बाबू,
अपमान तो मेरा भी हुआ है। तुम आग बनो और मैं आंधी, दोनों मिलकर विजय और जीत के सपनों की दुनिया जला डाले। किरण, श्रीमान जी पकवान पकाए जा रहे हैं? मालूम होता है चूल्हा नहीं सुलग रहा। लकड़ियां ही गीली हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय जबानी जमा खर्च के, तुम्हें और आता ही क्या है। तो श्रीमती जी आप ही अपना जौहर आजमा कर देखें, आइए। देखा, तुमसे तो चूल्हा भी नहीं सुलगाया जा सकता। ओह, कौन सा बड़ा शेर मार लिया है देवी जी ने। पर देवता जी से इतना काम नहीं हुआ तो भविष्य में बड़े बड़े काम कैसे करेंगे? बड़े काम करने के लिए पहले चूल्हा फूकने की परीक्षा नहीं देनी पड़ती? ये काम तो स्त्रियों का है। स्त्रियों ने तो चूल्हा और चक्की के लिए ही जन्म लिया है, ये तुम ना कहोगे तो और कौन कहेगा? स्त्रियों की महानता के बारे में तुम जानते ही क्या हो। ये क्या, बुरा मान गई? स्त्रियों की महानता को मैं ना जानूंगा तो कौन जानेगा? जीत भी स्त्री है और मेरी माँ भी स्त्री है, और विजय ने जो कुछ सीखा है इन दोनों से सीखा है। रहने दो, मुझे आसमान पर मत चढ़ा। अच्छा ये तो बताओ, चूल्हे पे क्या चढ़ा रखा है? खिचड़ी पक रही है और वो धीरे धीरे पकती ही रहेगी। तब तक चलो हम अपने सपनों की खिचड़ी पकाएं। मुनीम जी। हाँ, कहिए कब आए? थोड़ी देर हो गई, आपने हमें बुलाया ही नहीं। अरे भैया, मैंने सोचा
कि तुम दोनों के सपनों की मीठी खिचड़ी पक रही है, भला मैं उसमें नमक की डली क्यों बनूं? अच्छा सुनिए, माँ कैसी है? जब तक दोनों भाइयों का मन एक ना होगा तब तक माँ के मन को शांति कहाँ मिलेगी विजय? माताजी से कहना कि चिंता ना करें, हम तो यहाँ सारे संसार की शांति का सपना देख रहे हैं। हाँ मुनीम जी, हम चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी सुखी रहे, हर गांव फले फूले। हाँ मुनीम जी, ये देखिए हमारे सपनों की खिचड़ी का एक चावल, हमारे सपनों का गांव, ये देखिए ये रही बड़ी पाठशाला, और ये झोपड़ियों की जगह पक्के मकान, ये रही गौशाला, और वो रहा पंचायत घर, और यहाँ दवाखाना होगा, और वो डाकखाना, और ये सब पक्की सड़कें होंगी, और अरे अरे भाई, सपना तो बहुत अच्छा है, परंतु स्वर्ग का ये सुंदर सपना पृथ्वी पर बिना पैसे कैसे आ जाएगा? गरीब गांव वालों के पास पैसा कहाँ से आया? तो पैसा धनवानों के पास भी आसमान से नहीं टपकता, धरती से सोना भी गरीब ही निकालते हैं, और नोट छापने वाले कारखानों में भी मजदूर ही काम करते हैं, और उस पैसे से जो सामान मिलता है वो भी तो गरीब मजदूर ही बनाते हैं। जब वो गरीब मेहनत करके अमीरों के लिए शहरों में स्वर्ग बना सकते हैं, तो क्या वो अपने लिए सुंदर गांव नहीं बना सकते? बिल्कुल ठीक। हाँ, मेल जोल से सब कुछ हो सकता है। विचार तो बहुत सुंदर है। विजय भैया, विजय भैया, अपने गांव वालों में और पास के गांव वालों में झगड़ा हो गया है। झगड़ा हो गया है? हाँ। अच्छा चलो। क्या बात? अरे भाई बात क्या है? तुम लोग झगड़ते क्यों? आप हमारे लोग के बीच में मत बोलिए। अरे भाई शांति से काम लो। किरण, तुम यहाँ क्या कर रही? मैं देख रही हूँ ग्राम सुधार का नाटक और उस खेल के खिलाड़ी को। विजय को? नॉनसेंस, छोड़ो विजय को, अब तो हमें अपना नाटक शुरू करना है। रतन बाबू, कुछ भी कहो, विजय विजय ही है। विजय विजय ही है, नॉनसेंस। चला है ग्राम वालों को सुधारने, आपको पानी बनाना चाहता है, अभी देखना कैसा पिटता गांव वालों के हाथ से विजय। लड़ने से पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। हमें आपस के झगड़े लाठी के जोर से नहीं, आपस में बैठकर चार आदमियों की सलाह से हल करने चाहिए। आप लोगों को शांति से काम लेना चाहिए। हम लोग सब भाई भाई हैं और प्रेम से रहने में ही हमारा भला है। भाई की लाठी अगर भाई का खून पीती रही तो देश का भला कैसे होगा? विजय बाबू, आप नहीं जानते हमारा इनका क्या झगड़ा है। अरे भाई सब ठीक है, आपस में मारपीट कर रहे हैं या कचहरी में जाने के बजाय हमें आपस के झगड़े गांव की पंचायत में निपटा लेने चाहिए। विजय बाबू ठीक कहते हैं। जाओ आप अपने काम पर जाओ। गांव वाले सब ठंडे पड़ गए, न जाने विजय क्या जादू जानता है जो सब इसी की बात मानते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि विजय विजय ही है। नॉनसेंस, चलो घर चलो ना। पापा। नमस्ते आचा जी। तुम लोग आ गए। तो क्या पापा आप समझते हैं कि हम घर में पांव नहीं रखना चाहते? और क्या, आजकल की लड़कियां घर में तो क्या जमीन पर भी पांव रखना नहीं चाहती, जैसी जीत वैसी तू, दोनों आसमान में उड़ती हूँ। नॉनसेंस, आप जमीन आसमान की बातें कर रहे हैं, कुछ गांव की भी खबर है? क्या हुआ भैया गांव में, कुछ प्लेग वेग फैला है? वो हमारा झोपड़े वाला भाई प्लेग से कम थोड़े ही है। ये कही मतलब की, लेकिन रतन बाबू तुम्हारी जमीन और जायदाद पर से तो उसका हक चला गया, इधर जीत के पास भी कुछ नहीं है। नॉनसेंस, आप यही तो समझते नहीं है, देश सेवा का ढोंग रचकर वो मजदूरों और किसानों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। अगर गांव वाले एका करेंगे तो हमारी जिम्मेदारियां, ये दुकानें, ये कर्ज देने का काम एक मिनट भी नहीं चल सकेगा। ये कही मतलब की, तो ये झोपड़ी वाले हवेलियों की बुनियाद खोखली करने में लगे? इट्स नेचुरल पापा, बिल्ली खाएगी नहीं तो लुटका देगी। विजय बाबू हम सब लोगों को इस हवेली से निकाल कर किसी झोपड़ी में बिठा देंगे, जीत जैसी जो मददगार मिली है उन्हें। मैंने तो समझा था कि जीत ने जमीन जायदाद सब छोड़ी दी है, अब वो विजय से शादी कर भी ले तो हमारा क्या बिगड़ेगा? दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग पापा, जीत और विजय की शादी तो हमारी सबसे बड़ी हार होगी। ये कही मतलब की, मुझे जीत का इलाज करना ही पड़ेगा,
और अपने उस झोपड़े वाले भाई के होश मैं ठिकाने लगा लूंगा। Marvelous! मां जी, रतन बाबू विजय की झोपड़ी की तरफ गए हैं, ना जाने क्या करने वाले हैं, अब जल्दी चलिए। रतन विजय के यहाँ गया है, चलिए मुनीम जी। और इसी तरह हम अपने देश के गांव गांव की काया पलट देंगे। आप गांव के मुखिया यहां मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग आज से ही प्रण कर लें कि अपने अपने गांव की आप इसी तरह उन्नति करेंगे। हमारे किए क्या होता है विजय बाबू, ये काम तो सरकार का है, सरकार करे तो कुछ हो। नहीं पटेल जी, हमें हर बात के लिए सरकार का मुंह नहीं ताकना चाहिए, ये बुरी आदत है। 150 साल तक हम सरकार का मुंह ताकते रहे, तभी तो इतने गरीब हो गए। अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और अब तो सरकार भी हमारी है। बस हम सबको मिलजुल कर काम में जुट जाना चाहिए, और सबसे पहले हमें गांव की गंदगी को दूर करना चाहिए। गंदगी की जड़ तो गरीबी है विजय बाबू, और गरीबी को दूर करना क्या हमारे बस की बात है? नहीं चौधरी जी, गंदगी की जड़ आलस है। हम आलस छोड़कर अपने घर की और गाँव की सफाई की ठान लें तो इसमें गरीबी क्या कर सकती है। और ये गरीबी भी तो हमारी ही बनाई हुई है। हम लोगों के मिले जुले काम से हमारी भूमि सोना उगलने लगेगी। हम आपस में एका करके क्या नहीं कर सकते। सब किसान अपने आप को एक कुटुंब समझें, सभी खेतों को मिलाकर एक कर दें, और फिर सब मिलजुल कर उसे जोतें, उससे जो पैदावार हो आपस में बांट लें, इससे पैदावार भी बढ़ जाएगी और आप लोग जमींदारों और साहूकारों के पंजे से भी छूट जाएंगे। हाँ बात तो ठीक है मुखिया जी, लेकिन हमें को रास्ता दिखाने वाला भी तो होना चाहिए ना। इस सेवा के लिए हम दोनों तैयार हैं, आइए हम कल से ही इस जमीन पर काम शुरू करते हैं। किसकी जमीन पर? ये जमीन के तेरे बाप की है। भाई साहब चुप रह कमीने, मेरा भाई बनने की हिमाकत करता है? पहले ये बता कि मुझसे बगैर पूछे तूने मेरी जमीन पर झोपड़ी क्यों बनाई है। ये मामला फौजदारी का है, तुझे पुलिस के हवाले न करके मैं खुद यहां आया हूं, और ये रियायत इसलिए की है कि तू मेरे बाप की रोटियों पर पलकर बड़ा हुआ है। रतन बाबू, विजय बाबू से ऐसी बातें ना बोलो, वो तो हमारे भले की कहते हैं। नॉनसेंस, ये किसानों को जमींदारों के खिलाफ भड़काता है, साहूकारों का रोजगार चौपट कर देना चाहता है। मैं ऐसे खतरनाक आदमी को एक दिन भी इस गांव में नहीं रहने दूंगा। खाली कर दे ये झोपड़ी। बड़ा आया झोपड़ी खाली कराने वाला, अभी तो माँ जिंदा है, विजय यहीं रहेगा। विजय यहाँ नहीं रहेगा, ये जमीन और जायदाद मेरी है, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं। हक वाले जानते नहीं मैं माँ हूँ? ये आप ठीक नहीं कर रही हैं माँ जी, इस जमीन के हकदार रतन बाबू हैं। ठीक है, लेकिन माँ का बेटे पर पूरा पूरा अधिकार है, समझे? मामला पुलिस में चले जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे मुनीम जी। माँ और बेटे के बीच में पुलिस आएगी? इस देश के दुश्मन को बचाने के लिए पुलिस आएगी? जानते हो मेरे रगों में क्षत्रानी का खून है। मांग विजय से माफी मांग। मैं इस कमीने से माफी नहीं मांगूंगा। कमीना? माँ याद क्या कर रही? हाँ, आज मैं इसे मार मार कर खत्म कर दूंगी, संसार को दिखा दूंगी कि देश के लिए माँ अपने बेटे के भी प्राण दे सकती है। मैंने इस सांप को दूध पिलाकर पाला है, आज इसके जहर के दांत तोड़ डालूंगी। माँ रहने दीजिए, मैं खुद झोपड़ी खाली कर देता हूँ। मालूम होता है तू भी मेरे हाथ से पिटना चाहता है। मैं कानून वालों कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं माँ हूँ, और तुम दोनों बेटों को मेरा कहना मानना होगा। सुनो सुनो
श्रीमान जी, आपको बोरिया बिस्तरा बन चुका? हाँ सर। शहर जाने के लिए बड़े बेचैन हो, और जो हम जाने ही ना दें तो? तब तो श्रीमती जी हो चुकी देश सेवा। अगर मैं ना जाऊंगा तो अपने अखबार के लिए प्रेस कौन लाएगा शहर से? शहर जा रहे हो, अपना दिमाग साथ ले जा रहे हो या नहीं? देखो शहर है, वहाँ अच्छे अच्छों का दिमाग ठीक नहीं रहता। जरा संभल संभल के कदम रखना, फिसलने का बहुत डर है। जी हाँ, जैसे मैंने कभी शहर देखा ही नहीं। इतना लंबा चौड़ा तो शहर की हवा में ही पलकर हुआ हूँ। मैंने कह दिया, आगे मानो ना मानो तुम्हारी इच्छा। तुम चिंता न करो, मैं जल्दी ही लौटूंगा। तब तक तुम गांव वालों की देखभाल करना। अच्छा। ये जरूरी हो गया है, लेकिन अपनी तरफ से मामला पूरा होना चाहिए, फिर अपना कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पापा, घर का भेदी लंका ढाई वाली बात है। इधर आपकी भतीजी जीत हंगामा खड़ा कर रही है, और उधर रतन बाबू की माता जी चंडिका बन गई है। नॉनसेंस, उस दिन तो मां समझकर माफ कर दिया मैंने, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती यूं चुपचाप पी जाने वाला नहीं हूँ। जी क्या कहने आपकी, बस आप तो आप ही है। जीत, इधर आ, इधर आ। अब तू कहीं आने जाने नहीं पाएगी। तो क्या जमीन और जायदाद लेकर भी आपको संतोष नहीं हुआ? जमीन जायदाद की बच्ची अंदर जाकर बैठ, बड़े बूढ़ों का नाम डुबाने पर तुली हुई है। आप समझ लीजिए कि मैं इस घर की कोई नहीं हूँ। तेरे कहने से मैं समझ लूंगा और दुनिया मान जाएगी। तूने तो बेहयाई लाद ली है, और मुझे तो कुल की आबरू रखनी है। मेरी आज्ञा है कि अब तू घर के बाहर पाँव नहीं रख सकती। मुझे दुख है कि मैं आपका हुक्म नहीं मान सकती। नहीं मान सकती? मैं कहता हूँ अंदर जाकर बैठ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी तू? ताले में बंद करके रखूंगा तुझे, तब तेरी अकल ठिकाने होगी। चल। मैं कहता हूं चाचा जी की बच्ची, चल अंदर। चलो छुट्टी हुई, जीत तो पिंजरे में बंद हो गई, अब विजय को मैं ठिकाने लगा लूंगा। सुना है विजय बाबू अखबार के लिए प्रेस खरीदने शहर जा रहे हैं। अरे उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर लिया है, वो तो बस रास्ते में ही। ये तो कमीनेपन की हद है। तुम्हें सजा देने की ताकत मेरे हाथों में है, लेकिन इंसान को सुधारने के लिए मैं लाठी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। प्रेम से उसका मन जीतना चाहता हूं।
हेलो डॉक्टर, मरीज के क्या हाल है? अब तबीयत कैसी है? ही इज ऑल राइट नाउ, यू डोंट वरी। तकदीर से बच गया बेचारा, मैं गांव में सर्वे के लिए न जाता, बदमाश इसकी जान ही ले लेते। अच्छा हुआ मैं इसे शहर उठा लाया, यहां इसका इलाज तो हो गया। मैं कहां हूं जीत? जीत कहां है? कर उनको खो बैठे, वो खो कर हमको पा ना सके। कौन तुम्हें पा ना सका किरण? मैंने तुम्हें पा लिया। कुछ फूल खिले अरमानों के, जी भर के मुस्का ना सके। अरे आज तुम ये कैसी बैकी बैकी बातें कर रही हो? अरमानों के फूल तो अब खिलने वाले हैं हमारे। मैंने फैसला कर लिया है कि शादी करने के बाद हम तुम दोनों अमेरिका चलेंगे, बस वहां अपने सब अरमान पूरे हो जाएंगे। सुना है अमेरिका जाने में खर्चा बहुत होता है। नॉनसेंस, अरे रुपयों की कमी अपने पास, और अब तो जीत की दौलत भी तुम्हारी हो चुकी है, आखिर वो किस रोज काम आएगी? ओह, इसी दिन के लिए तरस रही थी अखिया आपकी। रतन बाबू, आपको मोहब्बत है दौलत से, और अब मैं दौलत से नफरत करती हूँ। किरण, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है? ठीक कह रही हूँ, इसी दौलत के लिए मैं दुनिया की नजरों से गिरी, इसी दौलत के लिए आपने जीत और विजय के सपनों की दुनिया जला डाली, माँ के मन को दुखाया। जब ये दौलत जीत के पास थी तब आप उसके पीछे चक्कर लगा रहे थे, तब ये दौलत मेरे पास आई
तो आप मेरे पीछे लट्टू की तरह घूम रहे हैं। मुझे आपसे, आपकी सभ्यता और आपकी झूठी मोहब्बत, इन सबसे नफरत है। किरण, मेरे रास्ते का कांटा ना बनो। मैं इन कांटों को अपने बूटों से कुचलना जानता हूँ। तो मैं भी आपके अरमानों में आग लगा सकती हूँ। चले जाइए यहाँ से। अच्छी बात है, मैं तुम्हें देख लूंगा। मुनीम जी, जीत का कुछ पता चला? नहीं माँ जी। भगवान जाने क्या होने वाला है, विजय भी अभी तक शहर से वापस नहीं लौटा। माँ जी, लोगों का ख्याल है कि शायद जीत विजय को ढूंढने शहर गई है। माँ जी, माँ जी, माँ जी, जीत देवी का पता चल गया। ठाकुर कल्याण सिंह ने उन्हें अपनी कोठरी में बंद कर रखा है, और ये बात हमें अभी अभी उनकी लड़की से मालूम हुई है। मुनीम जी, अभी चलकर जीत को छुड़ाना चाहिए। ठाकुर कल्याण सिंह उसे कैद में नहीं रख सकते। ठाकुरानी जी, बात मानिए, मेरी जीत घर में नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि आखिर वो गई कहाँ। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं माँ जी, पापा की याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। वो भूल गए हैं कि उन्होंने ऊपर जीत को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया है। क्या बकबक कर रही है, तुझे भी पर निकल आए हैं? That's right, पापा, जिसके पर निकल आए हैं वो आजाद होकर आसमान में उड़ेगा ही। आइए माँ जी, हमें जीत को आजाद करना ही होगा। ठाकुरानी जी, आप हमारे घरेलू मामलों में न पड़िए। मैं अपनी भतीजी के साथ जैसा चाहे व्यवहार करूं, मुझे कानूनन हक है। ठाकुर साहब, मुझे कानून न सिखाइए। जीत को कैद करके आपने कानून के खिलाफ काम किया है। ठाकुरानी जी, मैंने कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है। कानून के खिलाफ आप मेरे घर में घुस रही हैं। पापा, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये मकान जीत का है और जीत ने मुझे दिया है, अब इस पर अधिकार मेरा है। आइए माँ जी, चलिए आप सब लोग ताला तोड़ डालें। मैंने कहा ठाकुर साहब, ये 20वीं सदी है, समझे? चलो बेटी, चलो इस जेल खाने से बाहर। तुम्हें कैद करके रखने की किसमें ताकत है? बोलो जी देवी की जय। किरण, तुम? हाँ, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। हाँ जीत, किरण ही तो मुझे तुम्हारे तक लाई। किरण जी, जिस तरह ये दोनों बहनें मिली हैं, इसी तरह दोनों भाई मिल जाएं, तब समझूंगी कि माँ की जीत हुई। हम सब काम करेंगे, हम सब काम करेंगे, दुनिया में नाम करेंगे, दुनिया में नाम करेंगे। जी, विजय की कोई खबर आई? नहीं माँ जी, पता नहीं क्या बात है जो इतने दिन लगा दिए। चिंता न करो बेटी, आ ही जाएगा विजय। अकेले काम करने में मेरा जी नहीं लगता माँ। मैं जो आ गई हूँ तुम्हारे साथ, अब मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारे साथ काम करूंगी। देखूंगी हमारे रास्ते में कौन आता है। मुझे जाने दो नर्स। नो प्लीज डोंट गेट अप। मुझे बहुत से काम करने हैं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, आपको पूरा आराम करना चाहिए, डॉक्टर का ऑर्डर है। ऑर्डर? पर तुम मेरे मन की पीड़ा को क्या समझो? तुम मन की पीड़ा क्या समझो?
करो सब काम करो, काम करो सब काम करो, तुम जग में अपना नाम करो, तुम जग में अपना नाम करो, ना कोई बेकार रहेगा, ना कोई बेकार रहेगा, ना कोई लाचार। विजय जी, विजय कहाँ अटक गया था? यूं ही जरा, मैंने कहा था कि अकेले शहर मत जाओ। नमस्ते विजय बाबू। ओ किरण भी यही है? मैंने हार मान ली है। इसी में तुम्हारी जीत है? जी, जीत तो आप ही की है। सो तो है। अब यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? अच्छा बच्चों, अब तुम्हें छुट्टी, जाओ। छुट्टी, छुट्टी, छुट्टी। चलो। ठकुरानी जी, विजय बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें ठाकुर कल्याण सिंह और रतन बाबू का हाथ है। हमें आप हुक्म दीजिए, हम उनकी बुद्धि ठिकाने लगा दें। भाइयों, ये चाहे किसी की भी करतूत हो, हमें बदला नहीं लेना चाहिए। हमें तो अपने दुश्मनों को भी प्यास से जीतना है। लेकिन विजय, लातों के भूत बातों से नहीं मारा करते। आप भूलते हैं मुनीम जी, प्यार और शांति से हमारे देश ने आजादी ले ली है, तो क्या दो चार बिगड़े हुए दिमाग नहीं ठीक हो सकते? और फिर हमारा वक्त कीमती है, इन आपस के लड़ाई झगड़ों में लगाने के बजाय हमें यही वक्त अपनी भलाई के कामों में लगाना चाहिए। विजय बाबू ठीक कहते हैं, अगर हम सब लोग सच्चे दिल से काम में लग जाएं, तो हमारे गांव की तस्वीर ही बदल जाए। अब हम सब मिलकर काम करेंगे और जो काम से दिल चुराएगा उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। अब काम करना हमारा धर्म होगा। हाँ, आदमी सच्चे दिल से काम करे तो भगवान उसका साथ देते हैं। आज हमारे पास धन नहीं है, धन मेहनत से पैदा होता है। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। बूंद बूंद से सागर भरता है। आओ हम सब प्रण करें कि हम अपने काम से देश के सामने एक नया नमूना रखें, फिर देखो दुनिया में हमारा किस तरह नाम होता है। काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो, काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो। हाँ वो अपना जीवन बदले बदल रहा संसार, हाँ वो अपना जीवन बदले बदल रहा संसार, ना कोई बेकार रहे और ना कोई लाचार, ना कोई बेकार रहे और ना कोई लाचार। काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो, काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो। काम है अपने शक्ति भैया, काम है अपने भक्ति, काम है अपने शक्ति भैया, काम है अपने भक्ति, इसके बल से अपनी बिगड़ी किस्मत है बन सकती, इसके बल से अपनी बिगड़ी किस्मत है बन सकती। काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो, काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो। पुरानी छोड़ो छोड़ो झूठे बंधन तोड़ो, रीत पुरानी छोड़ो छोड़ो झूठे बंधन तोड़ो, नए समय से नए जगत से अपना नाता जोड़ो, नए समय से नए जगत से अपना नाता जोड़ो। काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो, काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो। आओ एक हो जाए हम आपस के भेद मिटाए, आओ एक हो जाए हम आपस के भेद मिटाए, वैर नहीं है कोई घर घर ये संदेश सुनाए, वैर नहीं है कोई घर घर ये संदेश सुनाए। काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो, काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो। Thank you.
काम करो नॉनसेंस। इट इज इंटॉलरेबल। काम करो समिति आपकी लपटों की तरह चारों तरफ फैलती जा रही है। और तो और आपकी बेटी किरण वो भी लपटों में समा गई। अब ये आपके सोचने की बात है। अरे भैया यही तो रोना। मैं कहता हूं कि हमें जल्दी इसका इलाज करना चाहिए। अफसोस कि हमारा एक बार खाली गया और विजय बच गया। गजब की बात तो ये है इस बार बोनी के वक्त भी कोई किसान मुझसे रुपया उधार लेने के लिए नहीं आया। हम तो चौपट हो गए ठाकुर साहब। ये सब जीत और विजय की करतूत है। ये लोग निराली खोपड़ी के हैं, सबको एक कर देंगे। ऊंच नीच मिटाकर सबको एक घाट पानी पिलाएंगे। क्या करें ठाकुर साहब। यही तो सोचने की बात है भैया कि इसका इलाज कैसे किया जाए। इसका इलाज जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। हमें गांव वालों के घरों में पहुंचकर ये बात उनके गले उतारनी होगी कि हम उनकी भलाई चाहते हैं। वो कैसे? पैसे से। हमारे पास पैसा है, हम उस पैसे से मशीनें मंगवाएंगे और उन लोगों से कहेंगे कि मामूली किराया देकर वो मशीनें लें जो बगैर सख्त मेहनत के मिनटों में उनके खेत जोत देंगी, जिससे 10 गुना पैदावार होगी और उनके घरों में रुपयों की बरसात होगी। ये बात उन्हें समझाने के लिए हमें कोई मजेदार तरकीब करनी पड़ेगी। ये कही मतलब की रतन बाबू, मैं तो सोचता था कि मैं ही कुछ हूं, मगर वक्त पर तुम्हारी खोपड़ी भी काम कर ही जाती है। अरे हाँ, आज रात को वसंतोत्सव है, बड़ा अच्छा मौका है। किसी नाचने वाली को बुला लिया जाए और गांव वालों को न्योता दे डालें और साथ ही झोपड़े वालों को बुला लें। ये कही मतलब की। क्यों श्रीमान जी, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि हमारे देश को आजादी मिले 2 बरस से ज्यादा हो गए, फिर भी लोग पहले ही की तरह तकलीफें उठा रहे हैं, भूखों मर रहे हैं। श्रीमान जी, इस तरह सोचते रहने से जनता सुखी नहीं हो सकती। समझ में नहीं आता क्या किया जाए। हमने गांव वालों को काफी समझाया लेकिन फिर भी लोगों के मन में निराशा छा रही है। बिना सरकार की मदद के ये लोग कभी ऊंचे नहीं उठ सकते। ये सब सरकार ही की गलती है। सरकार की गलती है तो यूं बैठे रहने से हम सरकार को सीधे रास्ते पर नहीं ला सकते। पहले हमें अपना फर्ज अच्छी तरह पूरा करना चाहिए, फिर अगर सरकार हमारी मदद ना करेगी तो हम सरकार को बदल देंगे, क्योंकि अब सरकार हमारी है और वो हमारे वोटों पर कायम है। अंग्रेजी सरकार को हटाने के लिए हमारे देश के नौजवानों ने अपनी जानें तक दे दी, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। और आज जबकि हमारा देश आजाद हो गया है तो कोई भी नौजवान ऐसा नहीं मिलता जो कि गांव गांव जाकर लोगों को समझा सके कि हम मिलजुल कर ही अपने देश को सुखी बना सकते हैं। ये सब हम लोगों की गलती है। हम लोग ये समझ बैठे हैं कि हमें स्वराज मिल गया है तो हमारा काम भी खत्म हो गया है। क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर गांव गांव जाकर हल जोतेगा, खेती करेगा? ये तो हमारे देश के नौजवानों को चाहिए कि वो जाकर गांव गांव लोगों को पढ़ाएं लिखाएं और समझाएं कि क्या करना चाहिए। फिर देखना कि थोड़े ही दिनों में हमारा देश कहां से कहां पहुंच सकता है। लेकिन यही तो मुश्किल है कि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान रूखे सूखे गांव में जाना पसंद नहीं करते। वो तो शहरों में नौकरियां ढूंढते हैं और वही रहना पसंद करते हैं। फिर रूठ गई? हाँ। क्यों? इसलिए कि मैं ना जानती थी कि तुम इतनी जल्दी अपनी हिम्मत हार जाओगे। भूल गए वो दिन जबकि हमारी आजादी की लड़ाई एक ही आदमी ने शुरू की थी? पर अब क्या किया जाए? वही जो हम कर रहे हैं। देखो ना, हमारी मिली जुली मेहनत से ये बंजर धरती कितनी सुंदर बन गई है। पर जमीन के इतने छोटे से टुकड़े को ठीक कर लेने से तो सारे देश की भूख नहीं मिट जाती? मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ, पर हमें अपने कर्तव्य पूरा करने में अपनी जान भी लड़ा देनी होगी। पर यूं अकेला कैसे लड़ा जाएगा और कब तक? फिर अकेले? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और फिर जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो ये अकेलेपन का विचार तुम्हारे मन में क्यों आता है? तुम ठीक कहती हो। तो फिर वचन दो कि फिर कभी निराशा को अपने मन में जगह ना दोगे। मैं वचन देता हूँ। और यूं मुंह लटका के कभी सुस्त ना बैठोगे? नहीं। और जीत को अपना समझकर अपने काम में यूं ही लगे रहोगे? अच्छा, खुश? आ चलें। उन्होंने तुम लोगों को उत्सव में बुलाया है, तुम्हें जाना ही चाहिए। नहीं माँ, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। पिताजी की और रतन बाबू की इसमें चाल मालूम होती है माँ? हाँ, उन लोगों का क्या भरोसा, न जाने कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दे। लेकिन हमें बखेड़ों से बचना नहीं है, उनका मुकाबला करना है। हाँ, इसी में बहादुरी है। तुम लोगों को अवश्य जाना चाहिए। भाइयों,
आज आप लोगों को यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जीत, विजय, तुम लोग वहां क्यों बैठे हो? यहाँ आओ, कुर्सियों पर बैठो, आओ। नहीं चाचा जी, हम यहीं ठीक हैं। जनता के सेवक जनता के साथ ही बैठते हैं। बोलो जीत देवी की जय, बाबू की जय। साइलेंस, साइलेंस, शांति बोलो, शांति, शांति। आप लोग यहाँ जय बोलने आए हैं या तमाशा देखने? आप लोग शांति से बैठे रहें और ठाकुर साहब की बातें ध्यान से सुने। हाँ ठाकुर साहब बोलिए। ये कही मतलब की भाइयों, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अब आप लोगों को सुखी बनाए बिना हम लोग भी सुखी नहीं रह सकते हैं, तो अब आप लोग हमें भी अपनों ही में समझिए और हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। और ये कही मतलब कि आप ही कह दीजिए ना। देखिए, आप लोग दिन रात काम में जुटे रहते हैं, इतनी मेहनत करने पर भी पेट भर खाना नहीं पाते, कितने अफसोस की बात। जब मैं अमेरिका में था, अमेरिका वाले साहब, आप लोगों की मेहरबानी से आज हम भूखे मर रहे हैं। अब इस बात पर बहस करने से क्या फायदा है कि हमारे देश में लोग भूखों क्यों मरते हैं? कहा है कि बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुझ ले। अब हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग सुखी कैसे हो सकते हैं। हाँ भाइयों, अमेरिका को ही ले लो, वहां के धंधे, कारोबार, व्यापार क्यों इतनी तरक्की कर रहे हैं? क्योंकि वहां मशीनों से काम होता है, खेती तक मशीनों से होती है। आप भी अपनी खेती के लिए मशीनें मंगवाइए, देखते देखते आपकी जमीनों में हल चल जाएगा, फसलें कट जाएंगी, आपके घरों में अनाजों के ढेर लग जाएंगे। पर ये मशीनों के लिए पैसा कहां से आएगा? ये कही मतलब कि हम लोगों ने जो आज तक पैसा जमा किया है वो सब किसके काम आएगा? हम लोग अपने पैसों से मशीनें मंगाएंगे और आप लोगों को दे देंगे। आप लोग अपनी पैदावार में से धीरे धीरे उनकी कीमतें चुकाते रहना हा? और अब हम लोग जो कुछ आप लोगों को समझाना चाहते हैं उसको अच्छी तरह समझने के लिए अब आप लोग ये जो छोटा सा नाच होने वाला है इसे शांतिपूर्वक देखें। भाई काम करो, जग में अपना नाम करो। काम करो भाई काम करो, जग में अपना नाम करो। ओ देवी
पूजा को तेरी चाहिए धन दौलत की ढेरी, ओ देवी पूजा को तेरी चाहिए धन दौलत की ढेरी। सोना चांदी कहाँ से लाए पास रे हम कैसे आए, सोना चांदी कहाँ से लाए पास रे हम कैसे आए। हम हैं तुमरे सेवक भैया, हम हैं तुमरे दास, हम हैं तुमरे सेवक भैया, हम हैं तुमरे दास। आओ साथ हमारे आओ दिल का भेद मिटा दो, नई मशीनों से धन के ढेर लगा दो। झेलो प्राण गवाओ क्यों चुप झेलो प्राण गवाओ, आओ मेरे शरण में आओ आओ आओ। बंद करो ये तमाशा, ये सब हम किसानों को फंसाने का जाल है। ठीक है, ये जमींदार लोग हमें कर्जदार बना देंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नॉनसेंस, विजय ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। हम तुम्हारी भलाई की कहते हैं और तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती, जंगली गंवार। रतन बाबू, किसी को जंगली और गवार कहने का आपको कोई हक नहीं है। ये हम जमींदारों और किसानों का मामला है, तुम बीच में बोलने वाली कौन हो? चुप रहिए रतन बाबू। जीत देवी और विजय बाबू ही हमें सच्ची राह बताते हैं, अगर आपने इनके खिलाफ कुछ भी कहा तो ठीक ना होगा। आप लोग गुस्सा ना हो, रतन बाबू ने जो कुछ कहा है वो ज्यादा गलत नहीं है। मशीनों से खेती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें अपने हलों से काम लेना चाहिए। मशीनों का विलायत से मंगाने में हमें अपने देश का सोना बाहर नहीं भेजना है। जब हमारे देश में मशीनें बनेंगी तभी हम सब लोग मशीनों से खेती करेंगे। ठीक है, इसके लिए किसान पैसे वालों के गुलाम नहीं बनेंगे। जब हमारा देश अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी ये सब कुछ होगा। जीत देवी ठीक कहती हैं, अब हम इन लोगों की कुछ ना सुनेंगे। चलो भाइयों, चलो 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 चलो। भैया अब तो मेरी अकल ने भी जवाब दे दिया है। नहीं चाचा जी, ऐसे हार मानने से काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूं कि जो आग मेरे सीने में भड़क रही है वो मेरे दुश्मनों को जलाकर खाक कर दे। अजी, ये जलने जलाने का काम हमारे सुपुर्द कर दीजिए ना, तो फिर कल आपके दुश्मनों का खाक कभी पता नहीं चलेगा। शाबाश, ये कही मतलब की। नॉनसेंस, इस तरह तो हम कानून की पकड़ में आ जाएंगे। अभी आप नादान है कुंवर साहब, इस तरह डरना है तो फिर बर्दाश्त कीजिए। ये कही मतलब की। भैया, अब डरने डराने से काम नहीं चलेगा, ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं तो कहता हूं कि अब मैदान साफ ही कर देना चाहिए। बस तो ठाकुर साहब, आज ही हमारा जौहर देखिए ना। जीते रहो। जी अच्छा, तो मेरे साथ। ये कही।
ठीक कर दीजिए वो माँ जी, आपका घर चल रहा है इनका भी। मेरे घर में आग लगी है। देखा माँ जी, विजय बाबू की झोपड़ी की आग ने सारा गांव जला डाला। हमारी झोपड़ियां जली तो जली, साथ ही आपकी और जीत देवी की हवेली भी जल गई। अरे ये क्यों नहीं कहते कि साथ साथ मेरा मकान भी जल गया? ये सब रतन बाबू और किरण देवी के बाप के करतूतों का नतीजा है। बड़ी देशभक्त बनी फिरती है। किरण को अभी तक तुम लोगों ने समझा नहीं। अगर इस आग ने तुम्हारे दिल में आग लगाई है तो चलो मेरे साथ, मैं जिंदगी भर तुम लोगों के ताने नहीं सुन सकती। चलो चलो। किरण, किरण सुन तो। विजय जी, देखा ये हाल हुआ मेरा, सारा घर जलकर राख हो गया। नॉनसेंस, तो इसमें मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है? इस आग ने तो सारा गांव जलाकर राख कर दिया, मेरा घर भी तबाह कर दिया। जब मैं अमेरिका में था, अब तुम चुप रहो ना। अमेरिका अमेरिका लगा रखा है, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। तुमने ही आग लगाने की सलाह दी थी। नॉनसेंस, ये सलाह मैंने दी थी? ये आग लगाने की तरकीब आपकी खोपड़ी से निकली थी। अब तुम मुझे दोष देते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या ये मेरा दोष है? नहीं तो मेरा दोष है, ये मेरा दोष है। सत्यानाश करते हैं। क्या करते हो, क्या करते हो तुम लोग? भाइयों, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये सब कसूर इनका है। चाचा जी, आप इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। भाइयों, ये सब करतूत ठाकुर साहब की है। आपस में कीचड़ उछालने की कोई जरूरत नहीं। भाइयों, ये कसूर इन दोनों का है। किरण, पिताजी, अब वो जमाना नहीं रहा कि जब इंसानियत के टुकड़े टुकड़े हो और इंसान चुप रहे। बेटी किरण, तू ये क्या कह रही है? जरा ये तो सोच कि मैं तेरा पिता हूँ, बाप हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाप हैं, पर हमारी गीता बताती है, हमारा धर्म बताता है कि जुल्म करने वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमें उसका सामना करना ही चाहिए। पर बेटी, मैंने कौन सा जुल्म किया है? तुमने जुल्म ही नहीं, अंधेर किया है। भाइयों, दूसरों को घर जलाने वालों को जरा ये तो बता दो क्या कितनी गर्म होती है। चलो मुखाजी। अरे बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बेटी किरण, ये तू क्या कर रही है? अपने बाप को जिंदा जला देना चाहती है। किरण डार्लिंग, कम से कम मुझ पर तो दया करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ऐसे प्रेम को मैं आग लगाती हूँ? और अब मैं प्रेम करती हूँ सच्चाई से। आज मैं दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि एक हिंदुस्तानी लड़की सच्चाई के लिए क्या कर सकती है। किरण, क्यों उस रास्ते पर चलना चाहती हो जिस रास्ते पर चलकर दुनिया ने आज तक कोई फायदा नहीं उठाया? जीत बहन, ये क्या करती हो? ये लोग इसी काबिल है कि इनको आग में जलाकर भून दिया जाए। इन लोगों ने अपने मतलब के लिए सारा गांव बर्बाद कर दिया है। बदला लेने से हमारी जीत नहीं हो सकती। बुरे आदमी को मार डालने से दुनिया में बुराई कम नहीं हो जाती। आज तक न जाने कितने रावण और कंस इस दुनिया से मिटा दिए गए। इंसान ने इंसान का खून पिया, मगर फिर भी इस दुनिया में पाप और जुल्म कम नहीं हुए। अब हमें दुनिया को एक नया रास्ता दिखाना है। अगर अब भी हम लोग अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे, एक दूसरे को बर्बाद करते रहे, एक दूसरे से बदले लेते रहे, तो ये आग कभी कम ना होगी। और जिस तरह आज हमारा गांव जल गया है, इसी तरह इस नफरत की आग में सारी दुनिया जल जाएगी। छोड़ दो इन्हें। बेटी जीत, अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो फिर ये कुछ ना कुछ नया तूफान पैदा करेंगे। अब ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम इंसानियत को जिंदा रखेंगे तो दुनिया में बुराई का सर कभी नहीं उठ सकता। हमें प्रेम और शांति से इस संसार को जीतना है। अगर हम इन लोगों को अपने गुस्से की आग में जला देंगे तो ये बेचारे वो दिन कब देखेंगे जब हम अपनी हिम्मत और आपस के मेल से इस दुखी संसार को स्वर्ग बनाएंगे। उस वक्त इनकी भी आंखें खुलेंगी। इनको जिंदा रखने में ही हमारी विजय है। बोलो जी देवी की जय। जी देवी की जय। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। विजय, विजय। रतन भैया। विजय, विजय जीत आखिर तुम्हारी हुई।
नहीं भाई साहब, जीत किसी आदमी की नहीं, आदर्श की होती है, देश की होती है। देश ही हमारी माँ है, इसलिए यूं कहना चाहिए कि जीत माँ की हुई। माँ की जीत जरूर हुई, पर आज हमारा सारा गांव का गांव बर्बाद हो गया। ठकुरानी जी, इस बर्बादी का मूल कारण मैं हूं। अगर मेरे मन में धन का लोभ न होता तो आज गांव की यह दशा न होती। मुझे सचमुच अपने किए पर पछतावा है। माँ, आज सबको पछतावा हो रहा है। आज से रतन बाबू भी हमारा साथ देंगे। हाँ माँ, इस बर्बादी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब सबके मन का मैल साफ हो गया है। आज हमारा सब कुछ खत्म हो गया है, पर हमें इसकी चिंता नहीं है। इंसान जब इस दुनिया में आया था तो उसके पास कुछ नहीं था, मगर उसने अपनी मेहनत और काम से ही धन दौलत इकट्ठी की, बड़े बड़े गांव और शहर बसाए। अब हम सब मिलकर काम करेंगे और यहीं अपने सपनों की दुनिया बसाएंगे। हमारा रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमारी डगर कितनी ही कठिन क्यों ना हो, हम हंसते गाते कदम बढ़ाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे। चाहे कितनी कठिन डगर हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड।